अच्छा आज हिना का भी एग्जाम ही होगा, उनके एग्जाम ही थे। ठीक है चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। अभी किस चीज का पेपर ठीक और भी चल रहे हैं पेपर, इसे छोड़ो अभी आके शुरू करते हैं कहानी, है ना। कुछ टॉपिक थे, मैंने अभी आने के बाद कोशिश की कि जो जो बची हुई चीजें हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी कल जैसे क्वेश्चन आंसर खत्म करेंगे ना, ग्राफ ट्री मिला के, तो पूरे ही जो स्लाइड है जो डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो सारे जब डिस्कस हो जाएंगे ना थ्रू आउट, तो फिर आपको डीएस और डार्क टेम्पलेट मिला के ऐसा लगेगा कि इसमें से कुछ नहीं छूटेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक मिसबिहेव हो जाता है ना। बट मैंने तीन चार छोटे छोटे ध्यान लेके कोशिश की कि उनके ऊपर बना ले। तो पहले तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री मैंने आपको बताया था ना, लीफ नोड्स कितने होते हैं, इंटरनल प्लस वन होते हैं हमेशा, है ना। जैसे अच्छा मैंने एक क्वेश्चन ये बनाया था कि मान लीजिए एन एक्सटर्नल नोड्स हैं, इन्हें स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है, देन इंटरनल नोड्स कितने होंगे, क्या आंसर होगा इसका। हाँ एनीवन, N+1। एन प्लस वन, एन एक्सटर्नल नोड्स हैं आंसर। अब देखो किसने बोला है, निताश्री ने बोला आई थिंक सो, है ना निताश्री। मैं पेपर के लिए आपको मतलब जो सुबह से सजेस्ट कर रहा हूं ना, बहुत बार कर चुका, वो चीज को हमेशा ध्यान रखना। आपको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री आता है ना, एटलीस्ट पता तो है ना स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है। एक छोटा सा बना लो, मान लो ये है, कुछ भी बना लो, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है कि नहीं है। आप चाहे ऐसे भी बना लेते, कैसे भी, अभी भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। इसके अंदर एक्सटर्नल नोड हम किने काउंट करेंगे, ये वाले हाँ चार दिख रहे हैं, तो इंटरनल कितने हैं, तीन। अगर मैं ऐसे बनाता, बताने क्या अभी यहां पे देखो आपके पास कितने हैं एक्सटर्नल, अभी काउंट करिए, अभी कितने हैं, दो नहीं दो तीन। अभी एक्सटर्नल, एक दो और तीन, तो आपको इंटरनल कितने दिख रहे हैं, दो। तो यानी आंसर क्या आ रहा है, एन माइनस वन। समझ में आई नीताश्री, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट इतना करना है और काम हो जाएगा, क्लियर। तो पेपर में आंसर डायरेक्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप एक सेकेंड उसको बना के जरूर देखें, ठीक। चलिए भाई ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, और इम्पोर्टेंट ये नहीं है नेताश्री क्वेश्चन क्लियर होना। कई बार ना आपने कभी ये क्वेश्चन जिंदगी में किया भी नहीं होता, मालूम भी नहीं होता, बट आपको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री तो पता है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में अगर आप सिर्फ पेन का इस्तेमाल करेंगे ना और थोड़ा दिमाग का, आप गलत नहीं कर पाएंगे। ये फालतू अटेम्प्ट करना होता है, एन प्लस वन, एन माइनस वन, टू की पावर एन, लॉग एन, ये सब फालतू है। थ्योरेटिकल में जा सकते हो आप अगर कभी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लग रहा कि अच्छा कभी पढ़ा था सुना था। और सीएस में 90% टॉपिक्स या 90% सब्जेक्ट्स में पार्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, इवन नेटवर्किंग हो, कोई भी हो, जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब देखना एवरीथिंग इज रिलेटेड। आपको एक भी अक्षर याद करने की जरूरत नहीं है, एक भी चीज, ठीक है, हर चीज समझ में आएगी और हर चीज इतनी रिलेटेड है कि वो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आया, तो आपको जस्ट उसको सोच के करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप खुद से सोच के देखिए, करके देखिए इसको, एक सेकंड का समय भी लगेगा, ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं म्यूट हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए पेन का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन आ गया, हेलो। हाँ जी सर नमस्कार, जी सर नमस्कार, हाँ केएमपी पे ही है सर, समझ लो सर केएम, अगर आप किधर की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप मानेसर की साइड से आ रहे हैं है ना, तो केएमपी, हाँ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं मान लो, तो केएमपी से जस्ट पहले एक रास्ता लेफ्ट में गया है, वो पचगांव है, ठीक है। वहां पे पचगांव प्राउडली देसी करके एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी है, वो जो गली इस सर अंदर है ना, बोल ही मतलब नहीं रहे सबवे यार, मेरे लेक को ही के, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है वही है, ठीक है।
हाँ बराबर से रास्ता, बोल रहे पंचगांव प्राउडली देसी बहुत कि बड़ा है, आपको बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फोन आ हाँ पंचगांव प्राउडली देसी, हाँ वो उसी वो रास्ते से हटके ही है, वहीं पे है वो, ठीक है। हाँ वहां से मतलब अंदर रोड से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, क्या हुआ सर? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं पे पंचगांव प्राउडली देसी डाल ले रेस्टोरेंट, वो उस पे ही है, मतलब रोड से हटके ही है वो, मतलब साइड लेन लेके, और साइड लेन कोई अंदर गांव जा रही है। हाँ उधर से आ रहे हैं, लेफ्ट में ही पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं है, दिल्ली की साइड से आ रहे हैं। हाँ केएमपी से पहले पचगांव प्राउडली देसी बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, ऐसे दिख जाएगा, मानेसर क्रॉस होके 3-4 किलोमीटर बाद। ठीक है सर, ओके। अरे गौरव ऑफिस से कॉल आ गया था जरा। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया क्या? एनीवन? तो 2n+1। ओके और कोई? 2n-1 2n-1। निताश्री मान ले तेरे पास ये एक ट्री है, इसमें एक्सटर्नल नोड तेरे को कितने दिख रहे हैं भाई? चार। हाँ अगर ये n है, अभी पिछला ही क्वेश्चन तुमने जस्ट ऐसा ही किया, तो अंदर कितने नोड हैं टोटल? n-1, तो टोटल कितने होंगे? 2n-1 नहीं होंगे अच्छा भाई? ये हमेशा ही फिक्स है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले तुम्हें याद कराए थे ना, तब तुम्हें बोला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में से ये क्वेश्चन आने के चांसेस 90% है, मतलब वो तुम्हारा इंसर्शन डिलीशन तो चलता रहेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलो हो गया। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में मिनिमम नोड्स अगर एच लेवल पे निकालने हो तो कितने होंगे? एच लेवल पे, लेवल और हाइट सेम बात हो गई, जैसे लेवल 1 हो गया है ना, लेवल 2, ऐसे ही मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो तो क्या आंसर होगा? और आंसर इसका कुछ और भी हो सकता है भाई, मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। आप अभी ऑप्शंस को चाहे ना भी कंसिडर करें, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इन्हें ऑप्शंस को आपको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। भैया लेवल मतलब एक रो में ना लेवल यहाँ मतलब हाइट पे हो गई, ठीक है, लेवल मतलब हाइट है, ठीक है। अच्छा लेवल मतलब जैसे एच लेवल पे मान लो आप, पहला लेवल ये है, लेवल कैसे करते हैं हम, जैसे ग्राउंड फ्लोर से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कितना ऊपर जा रहे हैं, वही तो है ना लेवल, कि कौन से लेवल पे रह रहे हैं, और या उसको हाइट बोल देते हैं। तो लाइक वाइज मान लो आप कौन से लेवल पे, अब आपको मिनिमम नोड काउंट करने हैं, इस ऑप्शन में से अच्छा नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैंने ये पिछले वाले कॉपी पेस्ट करके वो आगे चला दिए थे ऐसे ही, ठीक है, तो ये अलग भी हो सकते हैं। बोलिए। और एक्चुअली ये H+1 लिखा हुआ मैंने मिटा दिया, ये स्ट्रिक्ट लिख दिया मैंने, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, अभी स्ट्रिक्ट के लिए चलने देते हैं। क्या बनेगा? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में मिनिमम मिनिमम नोड चाहिए एच लेवल पे, नोड 2H+1 2h+1। हाँ गुड, सही है ना वही बात, अगर हमें मिनिमम नोड रखने हैं, आप रख के देख लो, मैंने आपको कहा था मिनिमम रखने हैं, तो उससे ज्यादा बढ़ाइए ही मत आप। अब आपके पास कौन से लेवल पे हैं आप, या कौन सी हाइट पे हैं, या हाइट 1, 2, 3 एंड 4, हर हाइट पे कितने नोड रख रहे हैं हम? सिर्फ 2, तो यानी 2 हाइट+1, तो 2h+1 वो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन था तुम्हारा कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नोड्स कितने होंगे एच लेवल पे, इसका आंसर क्या होगा? 2 की पावर H 2 की पावर एच। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना? श्योर भाई, 2 की पावर h किस किस ने दिया है? एक बार मैं जरा इसको भी ओपन कर लूं, एक सेकेंड जस्ट। मैंने भी दिया ओके ओके, और किसी का भाई कुछ और हो तो बता दीजिए। और किसी का भाई कोई और आंसर? तो मैंने आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री में कैसे बनाना बताया था, कि आप कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हम इसके बिना तो बना ही नहीं सकते ना, हर नोड पूरा भरना पड़ेगा। अब जैसे मिनिमम नोड इस लेवल पे चाहिए हो तो यही मिनिमम हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर के तो हट ही नहीं सकते ना, तो ये कौन सा लेवल था? 3 लेवल, तो 3 लेवल पे मिनिमम कितने आ रहे हैं? 2 की पावर 3 यानी 8। ओके, अब लेवल अगर बढ़ा के 4 लेवल पे चेक करना चाहूं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नेक्स्ट नोड नेक्स्ट लेवल पे तब तक नहीं जा सकता जब तक प्रीवियस लेवल पूरा ना भर जाए, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर अच्छा कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी अगला नोड यहां लगेगा, ये 16 है, तो लेवल 4 पे मिनिमम कितने हो रहे हैं? 2 की पावर 4 यानी 16, यानी आप कह सकते हैं
टू की पावर एच। तो आपको जस्ट छोटा सा निकाल के देख लेना, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ये सुबह हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ वही क्वेश्चन, जैसे ही हमारा स्क्यूड बाइनरी ट्री टॉपिक छूट गया था, कभी कभी मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये चीज पूछ सकता है, स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है। देखो स्क्यूड बाइनरी ट्री की ये तीनों कंडीशन सब बात ट्रू है। स्क्यूड क्या होता है, जैसे ये बना रखा है मैंने, तो ए के लेफ्ट में केवल हम केवल एक ही बना रहे हैं, जैसे ये लेफ्ट स्क्यूड है, ये राइट स्क्यूड है, मतलब हम केवल लेफ्ट में जनरेट कर रहे हैं हर नोड के, या केवल राइट में जनरेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्क्यूड बाइनरी ट्री। ये बात क्लियर हो रही है? अब देखो प्रॉपर्टीज, तो अगर मान लो मुझे पता है कि स्क्यूड बाइनरी ट्री इसको बोल रहा हूं मैं लाइक दिस, तो हम अब आप प्रॉपर्टी पढ़ लो इसकी। ऑल नोड्स हैव आइदर वन, ओनली वन, या जीरो चाइल्ड। हर किसी का या तो वन चाइल्ड है या जीरो चाइल्ड है। समझ आती है? हेलो। अब हाँ जी अगर भैया, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तो सभी नोड के लिए कंप्लीटली बात हो गई, मगर अगर आप देखें गौर से तो केवल डी का जीरो चाइल्ड है, बाकी सबका तो एक ही चाइल्ड है। तो यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी, मतलब ये तो कुछ भी कह सकते हैं आप, एवरी इंटरनल नोड विल हैव ओनली वन चाइल्ड। ठीक है? सर हाँ जी। जैसे आपने सुबह बताया था वो एवियल ट्री में मैक्सिमम हाइट और मिनिमम नोड का फॉर्मूला नहीं होता, कौन तो सा? वो जैसे अगर हाँ में हाँ नंबर दिया हाँ होगा तो कर लेंगे। हाँ उससे ड्राइव कर लेंगे। एवियल ट्री के लिए बताया था ना मैंने, क्योंकि एवियल में ऐसा कुछ बनेगा ही नहीं ना, वहां पे कोई भी आप कितना भी बड़ा बना के देख लीजिए, उसमें कोई रिलेशन नहीं बन पाता। ठीक है? तो उसमें देखो वो चीज फिक्स है। अगर मैं कहूं एवियल ट्री में, एच हाइट पे मैक्सिमम नोड्स कितने पॉसिबल हैं, मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, इसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम कितने पॉसिबल होंगे एच हाइट पे, टू की पावर एच प्लस वन माइनस वन। देखो मैक्सिमम नोड किसको बोल सकते हैं, दो हाइट पे इससे ज्यादा नोड लगा सकते हो क्या किसी भी ट्री में? तो इसीलिए मैंने नहीं आपको कहा था कैसा भी ट्री हो सबके मैक्सिमम तो फिक्स हैं। और सबकी अगर मैं बात बोलूं, मिनिमम मैक्सिमम नोड हमेशा ही रहेंगे, और सबकी सारे ही ट्री की मिनिमम हाइट अगर हम बात करें तो लॉग टू बेस एन का लोअर फंक्शन आएगा, क्योंकि जैसे अगर ऐसा ट्री बनाओ इससे कम हाइट में जनरेट ही नहीं कर सकता ना। बट एवियल ट्री में अगर मैं कहूं मेरे पास मान लीजिए क्या है, एन नोड्स हैं है ना, या एच हाइट है और मिनिमम नोड चाहिए। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं चार हाइट पे मिनिमम नोड चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना, ये चार हाइट है, बट क्या ये एवियल ट्री है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई नहीं है। एवियल ट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है, बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो यानी मेरे इधर भी तीन होने ही चाहिए थे, अभी ये तो बैलेंस है बट ये बैलेंस नहीं है, इसके लिए दो इधर लगाने पड़ेंगे, इसके लिए एक यहां लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक यहां लगाना पड़ेगा, अब ये बैलेंस्ड है। समझ आ रही है? तो फिर या तो ये काउंट करते रहिए, वरना मैंने आपको छोटा सा बताया था एन की वैल्यू वन पे, छोटा सा जब शुरू में हमने ट्री किया था, तो मान लो एवियल ट्री वन हाइट पे मिनिमम कितने हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ नोड्स टू होंगे, किस पे, हाइट वन पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगर हाइट को टू करना हो, यानी सेकेंड हाइट पे मिनिमम क्या तीन रह सकते हैं, नहीं, हमें यहाँ नहीं पे एक फोर लगाना पड़ेगा, बैलेंस नहीं है, तो यानी फोर रखने पड़ेंगे मिनिमम, है ना। इसके बाद आप चाहें तो तीन हाइट पे कितने होंगे, चार प्लस दो एक सात, सात चार पे कितने होंगे, सात चार ग्यारह और एक बारह, चार पांच पे कितने होंगे 20, ऐसे। अब आप चाहे करके देख लीजिए, तीन हाइट पे चाहिए होते तो सेवन के बिना काम नहीं चलेगा, अगर आपको हाइट तीन करनी है, चलिए तीन हाइट हो गई, बट ऐसे नहीं रख सकता, मुझे एक यहाँ लगाना ही पड़ेगा, बट इससे भी काम नहीं चलेगा, ये वाला बैलेंस नहीं है, एक यहाँ पे भी हाँ लगाना पड़ेगा। तो तीन हाइट पे देखो कितने आ रहे हैं, सेवन, चार हाइट करनी थी, चार हाइट करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार हाइट पे एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसके लिए इसको भी मैनेज करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी करना पड़ेगा। आई थिंक सब मैनेज हो चुके हैं, कितने एक्स्ट्रा नोड लग गए, एक दो तीन चार पांच, तो सात पांच बारह हो गए ना, तो टोटल नोड काउंट करोगे तो 12 हो चुके हैं। ठीक है? मेरे ख्याल इसका से निराश्री फॉर्मूला क्लियर होगी, क्या बनेगा भैया? मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, आपने एक्स, फॉर्मूला अच्छा आप सब लोगों ने फिबोनाची सीरीज पढ़ी है, फिबोनाची सीरीज ये होती है ना, जीरो वन, वन प्लस हाँ जीरो वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, ऐसे करते के बढ़ते रहते हैं ना, प्रीवियस को जोड़ के नेक्स्ट नोड जनरेट करते रहते हैं, है ना, तो कुछ इसी तरीके का होता है ये। ठीक है? अगर आपको एन किसी भी हाइट पे, नंबर ऑफ नोड चाहिए किसी हाइट पे, तो आप क्या करिए, उसकी प्रीवियस हाइट प्लस उसकी भी प्रीवियस हाइट प्लस वन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर ऑफ नोड चाहिए थे थ्री हाइट पे, तो नंबर ऑफ नोड जो है थ्री माइनस वन यानी टू हाइट पे, प्लस नंबर ऑफ नोड जो है वन हाइट पे, उन दोनों को जोड़ के प्लस वन कर दो। नंबर ऑफ नोड टू हाइट पे कितने थे, फोर,
प्लस टू प्लस वन, कितना आ गया? सेवन। समझ में आई? मतलब ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों है, ये तो मैंने आपको बताने के लिए बताया बस, ठीक है? तो ये नंबर ऑफ नोट्स वाले क्वेश्चन एक दो बार करोगे ना, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। प्लस मैंने निताश्री वही बताया, आप वो गलती नहीं करनी है कि क्वेश्चन आया डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ, एक ही तो क्वेश्चन आएगा। उसने बोला, जैसे मैं एक जनरल क्वेश्चन आपको देता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बाइनरी ट्री है, सिंपल बाइनरी ट्री, उसने बोला एन नोड्स हैं, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट उसने पूछ ली। अब आपको पता है बाइनरी ट्री है मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मान लो मैं पांच नोड मान लेता हूँ एन की वैल्यू, ओके एक बना के देख लेते हैं, मुझे मैक्सिमम हाइट करनी है तो दिमाग में ये रखना है कि मैक्सिमम बढ़ाने की कोशिश करो, एक पांच ही नोड थे तो दूसरा यहां लगाओ, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, क्या ये बाइनरी ट्री है? अभी बोलिए है हाँ ना, एन तो यानी आपको दिख रहा है कितनी हाइट बनी, चार, यानी आंसर आ गया एन माइनस वन। माइनस निताश्री बात क्लियर हो रही है कैसे पेपर में अटेम्प्ट करना है? अब अगर इसकी जगह स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री आया होता क्या आप ऐसे बना सकती थी निताश्री कि पांच हैं बढ़ा के देख लो जितनी बढ़े, मगर ये तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ही नहीं है, स्ट्रिक्ट में दो नोड रहने चाहिए थे, यानी मुझे एक यहां पे भी लगाना पड़ेगा, इसके दो चाइल्ड करने पड़ेंगे, ऐसे ही इसके भी दो चाइल्ड करूंगा, करूंगा कि नहीं? मेरे नोड कितने लग गए अभी तक ही, एक दो तीन चार पांच, पांच के पांच खत्म हो गए ना, तो आपको दिख रहा है हाइट सिर्फ कितनी जा पाई, दो जा पाई कि नहीं? अब आप इसे किसी फॉर्मूले में रखते है ना, जैसे इसका कोई फॉर्मूला हो जाता, मान लो वहां पे ये भी गिवन होता आकांक्षा 3n-1, ठीक है? तो यहाँ पे 3n-1 से तो कार कहानी नहीं बन रही, पांच हाइट नहीं नहीं आएगी ना, टू नहीं आएगी, मान लो वहां पे चार ऑप्शन, जैसे अभी इसकी हाइट कितनी आ रही, टू, फॉर्मूला एग्जैक्टली होता भी क्या है, n-1/2 होता है ना, n-1/2 करके तो ये कहानी बन जा रही है, बन रही है ना। अब मान लीजिए पांच में ऐसे कर दूं n/2 है ना का लोअर फंक्शन, अब ये दिख रहा है आपको, इसमें भी तो अभी टू आ जाएगा कि नहीं, एक ऑप्शन ये भी होता, बी ऑप्शन ये होता। अब देखो ये इसमें भी सही बन रही है बात, इसमें भी सही बन रही है, तो एक काम करिए ना, एक और मान लो पांच माने हमने, सात मान के देख लो, सात पे इसमें क्या हो रहा है, हेलो 7-1/2 चल रही है कहानी, हेलो। तो देखो इस पे भी सही चलेगा और इस पे भी, एक्चुअली n-1/2 इज इक्वल्स टू n/2 का लोअर हाफ ऑलवेज, समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन तो कैसा भी, जैसे निताश्री मैं ये कह रहा हूं हमने जितनी बार भी क्वेश्चन किया है हमने हमेशा ये वाले फॉर्मूले से ड्राइव किया ना, तो हमारा फॉर्मूला ये आया है, मगर वहां पे n/2 का लोअर हाफ आ जाए तो आंसर तो ये भी सही है। सकता है मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पेपर में जरूरी नहीं है, अब जो याद करके जाएंगे वे तो इसको ही ढूंढते रहेंगे ना। नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ सर, बोथ ऑप्शन भी तो हो सकता है, तो निताश्री मैं ये कह आंसर रहा, हाँ नहीं, वो तो अगर कोई ये तो एक सही है, ऑप्शन मैं हुआ कहना चाह रहा हूं मान लो n-1/2 है ही नहीं, आप उसे ही ढूंढते रहोगे क्या? मेरा नहीं। कहने का मतलब ये है अगर आप करके देखेंगे ना, ड्राइव करके देखेंगे, देखो अच्छा ये कितने दिन तक याद रहेगी, अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS कंप्यूटर नेटवर्किंग 50 चीजें करोगे, क्या आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे फिर? और अगर याद रखने की कोशिश करोगे तो दिमाग पे हेडक बढ़ जाएगी, समझ रहे हो? इसलिए अगर समझी भी चीज है, अच्छा एक बात बताओ कोई बच्चा ये भूल सकता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? ये तो याद ही रहेगा ना कि उसकी क्या होता है, दो चाइल्ड होते हैं, दो होंगे या जीरो होंगे, भाई इतना याद रखना है। अब पेपर में जो क्वेश्चन बना उसके हिसाब से अपनी बुद्धि लगा के सिर्फ काम करना है, क्लियर हो गई? नेक्स्ट चले भाई। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कभी कभी एक्सप्रेशन ट्री के ऊपर, ठीक है? मान लीजिए उसने पूछ लिया ये एक्सप्रेशन ट्री है कौन, जैसे अब ये तो बिल्कुल सिंपल दे दिया है, मान लो ऐसे भी दे सकता है, पूछ ले कौन सा लास्ट सॉल्व होगा, प्लस होगा डिवाइड होगा या क्या होगा? अच्छा निदाश्री इसमें कौन सा ऑपरेटर लास्ट में सॉल्व होगा, प्लस या मल्टीप्लाई? प्लस प्लस बाद में सॉल्व होगा, अगर इसका, अब देखो जैसे इसका एक्सप्रेशन ट्री बनता है ना, अच्छा इसका एक्सप्रेशन ट्री में एक बना रहा हूं, मान लो ठीक है, इधर रखते हैं, ऐसा बनेगा है, या ऐसा बनेगा, क्या बोलते हैं, बताओ कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए या बी, इसका एक्सप्रेशन ट्री, एनीवन फ्रॉम यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ये बनेगा सर कौन सा के ए? ओके नेहा, सर ए बनेगा। ए बनेगा,
ओके, गरिमा वर्मा से कौन ज्वाइन है? सर है ना। ओके, मैं वही सोच रहा, आवाज तो हिना की लग रही है। ए बनेगा निताश्री, आपका कुछ लग रहा हो आपको? आकांक्षा, मुझे तो आइडिया ही नहीं है एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनाते हैं। वही बात है, कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपको आइडिया नहीं होगा, है ना, मगर वो चीज आपने 50 बार कर रखी है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप नॉर्मल बुद्धि लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, ये कंपाइलर में एक तरीके का क्वेश्चन होता है। स्टिल आप बिना किसी चीज का यूज किए भी अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आकांक्षा, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर इसको देखें, क्या वन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा? वन के साथ प्लस में इधर का कुछ चाहिए, तो पहले कौन सॉल्व हो रहा है? टू सर इंटू थ्री होगा, ये कुछ रिजल्ट देगा 6, तभी तो 1 + 6 आंसर 7 आ पाएगा। बोलिए, बीवा अब बी वाले में हो क्या रहा है पहले? 1 + अब देखो, इंटू को सॉल्व होने के लिए क्या चाहिए? इंटू प्लस के साथ सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं, यानी इसको इसका रिजल्ट चाहिए। एक्चुअली क्या आता है, बॉटम टू टॉप चलता है एक्सप्रेशन पे। बॉटम टू टॉप चलता है, वो भी बात ठीक है, बट मैं कह रहा हूं आपको ये बातें पता ही नहीं कि बॉटम टू टॉप चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है, क्या होता है आपको नहीं पता है। मगर आपको एक बात बताइए, पहले सॉल्व क्या होना चाहिए? इंटू, है ना, आपको इतना तो पता है ना, इसमें पहले सॉल्व क्या होना चाहिए? इंटू सॉल्व होना चाहिए, ये तो पता ही है, सी लैंग्वेज पढ़ रखी है तो इतना पता ही है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रखी है, क्योंकि दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटरी प्लस और माइनस होते हैं लेवल 2 के, और मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर होते हैं लेवल 1 के। पहले कौन सॉल्व होता है? लेवल 1 वाले, फिर 2 वाले, और अगर लेवल 1 वाले 1 से ज्यादा हैं तो लेफ्ट टू राइट, या 2 वाले भी हैं तो लेफ्ट टू राइट। लाइक इस वाले में लेफ्ट टू राइट लगता, जो मैंने 1 + 2 + 3 बना रखा था, अभी उसको भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। खैर, अब इसमें हमारे अकॉर्डिंग पहले कौन सा सॉल्व होना है आकांक्षा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अब एक बात बता, मल्टीप्लाई को अगर इस वाले में देखूं, मैं सॉल्व करना है मुझे इस मल्टीप्लाई को, तो मल्टीप्लाई के लिए 3 तो है, पहला ऑपरेंड क्या है इसके लिए? प्लस, तो क्या प्लस पे काम चल जाएगा क्या? यानी इसको ये वाला ऑपरेंड चाहिए रिजल्ट, तो यानी 1 + 2 करके यहाँ 3 आएगा, तब ये मल्टीप्लाई अपना काम कर पाएगा, यानी पहले कौन चल रहा है? प्लस, यानी ऑप्शन गलत है। आई बात समझ में या नहीं आई? तो ये जनरल सेंस से, कॉमन सेंस से काम हो जाता। निताश्री, बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ पेपर में हर बार ऐसा नहीं है कि आपको, कि मैंने स्टैक में सर जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं, कभी कभी चीज थोड़ी हटके आ जाती है, बट वो आपकी पढ़ी भी है, आपको सिर्फ दिमाग लगा के। इसलिए मैं आपको ना उस रटन वाली दुनिया से थोड़ा बाहर लाना चाहता हूँ, कि ऐसा नहीं है जरूरी कि क्वेश्चन हमने पढ़ा हो तभी हमसे होगा, या क्वेश्चन हमने देखा हो तभी हमसे होगा। अगर आपको, मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने ट्री बता दिया, अब ट्री में से कुछ भी क्वेश्चन आए ना, वो आपसे होना चाहिए, ऐसा आपको मानना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये आ रहा है एक्सप्रेशन ट्री, आपको नहीं भी पता, बट यार ये ऑपरेटर के ऊपर ही काम हो रहा है ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आपको नहीं आता क्या? अब आपको नहीं पता है सी का क्वेश्चन है, और अब डा का क्वेश्चन है, डीएस का क्वेश्चन है, या कंपाइलर का क्वेश्चन है, आपको नहीं पता, बट यार आपको ये तो पता है ना, एक्सप्रेशन है, ये सॉल्व होगा, और सॉल्व होगा तो आपको ये भी पता है 2 × 3 पहले होना चाहिए। अब आपको कॉमन सेंस लगा के आप आंसर बता सकते थे, ये एक बहुत छोटा एक्सप्रेशन था। क्लियर हुई सबको? क्लियर है भाई ये बात? तो इसका एक्सप्रेशन ट्री कैसे बनता? एक्सप्रेशन ट्री अगर देख 1 + 2 + 3 का बनता, तो निताश्री इसमें सॉल्व क्या होना चाहिए पहले? 1 + 2 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल के हैं, तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है, यानी पहले सॉल्व होगा 1 + 2, देन जो भी रिजल्ट आएगा उससे प्लस होगा 3 का, यानी अगर आप इसका बनाएं तो पहले 1 और 2, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा उसके साथ आपको प्लस कर रहा है 3 के साथ। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा एक्सप्रेशन ट्री कैसे बना। अब इस वाले में मुझे क्या नीचे से ऊपर की तरफ बनाते हैं। 1 नीचे से ऊपर देख, तुझे ये सोच, पहले तुझे करना क्या था? 1 + 2 करना था, प्लस टू तो हाँ 1 + 2 होके इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब सोच, इस प्लस के लिए लेफ्ट ऑपरेंड ये प्लस है, यानी इसका रिजल्ट जो ये देगा उसके साथ इस प्लस में वो इसका लेफ्ट ऑपरेंड बनेगा। एग्जैक्टली होता भी तो ऐसे ही ना, 1 + 2 करके जो भी आता, 3 + 3, अगले प्लस के लिए लेफ्ट ऑपरेंड कौन है? 3 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देन ये सॉल्व होता, देन 6 आता, सेम काम ही एक्सप्रेशन ट्री करेगा। 1 + 2 करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3, उसको यहाँ दे देगा 3 + 3, इसका रिजल्ट किया जाएगा 6, समझे। अब यहाँ पे पहले सॉल्व होना था 2 × 3, तो आप पहले 2 के साथ इंटू करेंगे 3 को, फिर जो भी इनका रिजल्ट आ जाएगा उसकी 1 के साथ प्लस होनी है। तो ये नहीं है जो ऊपर दिख रहा है उसकी प्रायोरिटी हाई दिख रही है आपको, उसकी प्रायोरिटी लो है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में सॉल्व हो रहा है। बाकी अनु ने जैसी बात बताई थी, आप वो भी कर सकते हैं, कि एक्सप्रेशन ट्री सॉल्व कैसे होता है? बॉटम टू टॉप सॉल्व होता है। ये बात समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई? बोलिए किसी को इस चीज में प्रॉब्लम हो तो भाई। तो एक छोटा सा टॉपिक था, थ्रेडिंग का छोटा सा टॉपिक बताया,
वो हो गया। आप जैसे बच्चों इसने ये दे रखा होता है ए प्लस बी इंटू सी, तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन इसका एक्सप्रेशन ट्री बनाना था। किसका? इसका, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का आपको दिख रहा है बच्चों ए प्लस बी किसमें है? ब्रैकेट में है। आपको पता है अगर इसको आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता तो पहले कौन सॉल्व होता? कांशा प्लस होता। एक यानी कि इसका अगर एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे ना तो वही ये बनेगा। समझ में आई या नहीं आई? अब कभी कहो ये दोनों अलग अलग क्यों है? ये दोनों अलग अलग इसलिए है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था तो पहले सॉल्व कौन होता था? होना था इंटू, तो पहले इंटू को सॉल्व किया, जो इसका रिजल्ट आया उसके साथ प्लस को कर दिया, दैट्स इट। मेरे ख्याल से एक्सप्रेशन ट्री अब कितने बड़े का भी आएगा आप बना लेंगे या नहीं बनेगा। हाँ जी चलो अब ये वाला एक क्वेश्चन है, शायद आपका दिमाग घुमा दे। ठीक है, कुछ मुझे सर्च करना है 80, ठीक है, उनमें से करेक्ट या रॉन्ग सीक्वेंस मुझे आइडेंटिफाई करना है। BST में कौन सा करेक्ट या सीक्वेंस है 80 को ढूंढने के लिए? अब 99% बच्चे इसमें गलतियां क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन को करके देखिए खुद से ट्राई। ठीक है, सभी लोग पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके जस्ट बाद हमें हीप करना है, वी हैव मेरे ख्याल से इसके बाद, हाँ बस एक तरीके का क्वेश्चन और समझाना है, देन हीप स्टार्ट करना है, बस लास्ट क्वेश्चन। मतलब मेरे ख्याल से फिर कुछ नहीं बचा है जो होना चाहिए, एक और क्वेश्चन एक तरीके का बन जाता है वो समझाना है बस। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, हुआ भाई सॉल्व? हेलो, एक आध तो बताओ, पहला सही है गलत है, दूसरा सही है गलत है, एक दो तो बताओ। पहला तो गलत है सर, क्योंकि 50 हमारे पास जो आएगा वो साथ में ही जुड़ जाएगा, 50 के बाद गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्राई कर दो। हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आवाज आ रही है मेरी? इसको हाँ जी सर, आ रही है। करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी कभी ना इस चीज पे लगा नहीं पाते। मैं एक बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ, एक छोटा सा बी ट्री ले लेता हूँ, कुछ भी, 15 9 7 5 8, 8 लग सकता है यहाँ पे, हाँ है ना? और यहाँ पे आ गया आपका 14, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11। अभी तक BST की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? अब आकांक्षा, अगर मैं कहूं कौन सा सीक्वेंस, क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल है? 15 9, मुझे 11 सर्च करना है, 15 9
14, ठीक है, फिर 13, फिर 11, इज इट पॉसिबल और नॉट? आप यहां ये काम कर रहे हैं, आप ट्री नहीं बनाना है इसका, जो आप लोग कर रहे होंगे ना, आप ट्री बना रहे होंगे निताश्री, समझ रहे हैं आप बात? आप इसका ट्री बना रहे होंगे कि जो दिया है उसका ट्री बना लो, मगर ये क्वेश्चन दे रखा है, इज इट पॉसिबल दैट दिस सीक्वेंस कैन हैपन इफ यू आर सर्चिंग फॉर 11? अब आप देखो इसमें, देखो अगर मुझे 11 ढूंढना होता, 15 के बाद मैं 9 पे गया, 14 पे गया, 13 पे गया, 11 पे गया, चूंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसलिए अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है, इसमें कोई भी एलिमेंट है, आप मान लो मेरे को इस पे जाना है, किस पे, 34 पे, तो 15 से 25, 29, 35, 34, है ना, या 22 चाहिए तो 15, 25, 20 एंड 22, क्योंकि ये BST है, तब ये काम हो रहा है ना। लेकिन अभी जो हमने आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें, इसने क्या बोला है भाई, मान लीजिए पहला ऑप्शन है किसको ढूंढने का, 80 को, ओके, 9, 9 से 120 बड़ा होगा तभी तो राइट में होगा, ये बात क्लियर है। इसके लेफ्ट में 12 पॉसिबल है, क्योंकि देखो 9 से बड़ा है 12, तो राइट में आ सकता है, नो प्रॉब्लम। 58 इसके लेफ्ट में ही होगा, है ना। अब 88 की बात करें तो कहां जाएगा, इसके राइट में, अभी अभी तक देखो कहीं पे भी वायलेशन नहीं हो रही है। 81 होगा, इसके लेफ्ट में होगा। 86 होगा, इसके राइट में होगा। 50 होगा, इसके लेफ्ट में। अब एक बात बताओ, नहीं, वो 58 के लेफ्ट में होगा ना, 58 के लेफ्ट में होगा ना मैं सर वो? बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मगर वो सीक्वेंस तो ऐसे बनाता हुआ चल रहा है ना, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था ना कि एक BST बना हुआ हो जिसके अंदर यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 50 आई कैसा सकता था, अगर 50 कभी इंसर्ट हुआ होगा तो 58 के लेफ्ट में गया होगा, यानी ऐसा सीक्वेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। समझे आप मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये जो लिखे हुए हैं, इट मींस कि दिस इज दिस काइंड ऑफ जो सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये और ये, तो अगर ये BST, अब ऐसा BST पॉसिबल ही नहीं था ना, तो यानी ये BST में 80 ढूंढने का सीक्वेंस नहीं हो सकता, ये है कहने की कहानी। समझे आप बात मेरी क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये जो लिखा हुआ है, दिस इज, ये वो बता रहा है कि 80 ढूंढने के लिए उसने इन इन एलिमेंट्स को हाँ ट्रैवर्स हाँ इन इन से होके गुजरा हो, तो इन इन से किया। होके, अब अगर आप इसको बनाओगे ट्री तो बन ही जाएगा ना, आप तो यहाँ पे 50 लगा दोगे, आपको ट्री नहीं बनाना, यही मैं पहले बता रहा था। तो यानी पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, है ना, समझे आप मेरी बात क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे हाँ, सेकंड एलिमेंट आप देखेंगे 198, तो 47 ये होगा तो लेफ्ट में होगा, चलिए, है ना, 11 ये हो सकता है, कहीं भी उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। 58, ओके, 71 राइट में जाएगा इसके, अभी तक देखो सारी बातें ट्रू है ना, ये जितने भी एलिमेंट है 47 से बड़े ही हैं तभी उसके राइट में है। अभी 88 आया, इससे बड़ा है, राइट में जाएगा। हर जगह देख लो, 111 से ये सब एलिमेंट छोटे थे, है ना, 58 से ये सारे बड़े चल रहे हैं, फिर 81 आया, ओके, फिर क्या आया, 86 आया, कहीं पे भी वायलेशन नहीं हो रहा, फिर 50 आ गया, तो 50 इससे छोटा है, लेफ्ट में चला जाता, मगर एक बात बताओ, 58 ऊपर था, इसके राइट सब पार्ट में जो भी कुछ होगा वो इससे बड़ा ही होगा ना, तो 50 वहां कैसे हो सकता है, यानी ये ऑप्शन भी, अरे कहाँ पहुंच गए, गलत कर दिया मैंने। हमने हाँ मिक्स कर हाँ दिया। 58 के बाद फर्स्ट हाँ वाले को ले सेवेंटी लिया वन आपने। हाँ मैं 51 के बाद नहीं, 71 के बाद ले लिया। 71, हाँ तो 71 के बाद क्या लेना था हमें, 90, 90, 90 के बाद क्या जा रहा था, 65, वो जाता लेफ्ट में, 75 जाता राइट में, यहां तक अभी कोई वायलेशन नहीं हुई है, कहीं पे भी आप किसी भी एंड पे देख लीजिए। 75 के बाद क्या आया बच्चों, 54, वो जाता है लेफ्ट में, अब देखो यहाँ पे वायलेशन होगी दोबारा से, 58 के राइट सब पार्ट में कभी भी 54 प्रेजेंट ही नहीं हो सकता था, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें 15, 33 होगा चलो इसके राइट में, 46 राइट में, 109 राइट में, ऐसा ट्री तो पॉसिबल है ना, 94 होता इसके लेफ्ट में होता, फिर इसके बाद 82 है, फिर इसके बाद मतलब नेक्स्ट एलिमेंट 80 है इन सब में, ऐसा समझिए, तो अब तो 80 मिल सकता है ना, बताओ कहीं वायलेशन हुई, नहीं, बोलिए कहीं वायलेशन है, नहीं है, नहीं, यानी ये पॉसिबल है बच्चों। इसका मतलब ये जस्ट एक, मान लो ये ट्री ऐसा नहीं है, ये ट्री ऐसा हो सकता था, इसके लेफ्ट में 10 पड़ा है, यहाँ पे 5 पड़ा है, इसके राइट में 6 है, यहाँ पे लेफ्ट में 4 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे लेफ्ट में 12 है, यहाँ पे 14 है, इसके लेफ्ट में 30 होता, कुछ भी होता, बट समझ रहे हो आप मेरी बात, इसके लेफ्ट में भी कुछ कुछ भी हो सकते थे, बट ये सीक्वेंस है 30 को ढूंढने का, इसके अंदर यहाँ पे भी राइट में कुछ और हो सकता था, तो ये तो ट्री में पॉसिबल हो सकता है ना, आप मेरी बात समझे, आपको इन एलिमेंट से ट्री नहीं बनाना था, आपको वो सीक्वेंस ढूंढना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्या है ये क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, अब जैसे मान लो हम नेक्स्ट चेक चेक करें कि नेक्स्ट सही है कि गलत है, सबसे लास्ट वाले चेक कर लेते हैं, 20, 40, 90, 48, 68, 79,
एंड देन 81 एंड देन 80, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? अरे ये भी पॉसिबल है कि नहीं है, कहीं पे वायलेशन हुआ? देखो इसका मतलब यही नहीं है कि ट्री ही यही है, ट्री तो कुछ भी हो सकता था, कहीं और कितने भी एलिमेंट हो सकते थे, हमने सिर्फ अपने वाले पाथ पे चेक किया है कहाँ पे किया था। समझ में आ रही है कि नहीं? हो सकता है इसके लेफ्ट राइट में कुछ और एलिमेंट, कहीं और कुछ और भी पड़ा हो, इसके नीचे भी कुछ और होता, ठीक है, बट इसने कहा कि 80 है, तो क्या ऐसा कहीं रास्ता हो सकता है इस तरीके का? अरे बोल भी दो, क्लियर हो गई ये बात। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, एक BST है, बाइनरी सर्च ट्री, इसका प्री ऑर्डर गिवन है, नेताश्री प्री ऑर्डर गिवन है, हमें इसका पोस्ट ऑर्डर निकालना है। मैंने चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैन यू फाइंड आउट द पोस्ट ऑर्डर ऑफ दिस ट्री? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको ट्री में कुछ भी चीज चाहिए तो आपके पास कितने ऑर्डर होने चाहिए ट्री बनाने के लिए? दो दो होने चाहिए। कौन कौन से? इन इन और प्री या इन और पोस्ट, है ना, इन और प्री या इन और पोस्ट चाहिए, तब हम यूनिक ट्री पॉपुलेट कर सकते हैं। अगर प्री एंड पोस्ट गिवन है तब क्या होगा? तब उसके केस में एम्बिगुअस बनेंगे, है ना, एम्बिगुअस ट्री बनेगा ना, बन सकता है, मतलब तब यूनिक ट्री पॉपुलेट नहीं कर पाओगे। बट अभी एक क्वेश्चन आया आकांक्षा पेपर में, ये क्वेश्चन है तेरे DBBB के पेपर में, ठीक है, कि BST का प्री ऑर्डर दे रखा है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है। अब आपकी अब तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग अब आप इस क्वेश्चन को क्या कहोगे कि यार सर ने ये बात तो बताई नहीं थी, और ऐसा तो होता ही नहीं, है ना, समझ रहा आप मेरी बात? असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ओके। अब ये बात पता है तो कर सकते हैं, मगर पेपर में अगर मान लो ये बात नहीं पता होती तो आपको ने जितना पढ़ा था अगर उतना ही होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि ये काम कैसे होगा। स्टिल अगर आपको मैं दिमाग चलाने के लिए कहूं, प्री ऑर्डर से आकांक्षा देख रहा है रूट कौन है, फाइव, यानी पोस्ट ऑर्डर में रूट कहां होगा, सबसे लास्ट में, लास्ट एंड में पहुंच जाएगा, यानी ऑप्शन तो इन दोनों में से एक होगा ना, एटलीस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो गई ना, तुक्का भी मारना है तो, समझ गए बात? तो एक चीज तो मैं कह रहा हूं, आपकी नॉलेज से आप कुछ ना कुछ, कई बार ऐसा हो सकता है केवल उसी के बेसिस पे सब कुछ हो जाता। जैसे मान ले अगर यहाँ पे ऑप्शन ही एक होता जिसमें फाइव लास्ट में होता तो 200% आंसर तो वही होता ना, समझ रहे आप मेरी बात? दूसरी बात, अब BST की वो वाली बात तब वहां पे बताई नहीं थी, मैंने कहा था जब BST पढ़ेंगे तब कर लेंगे। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे होती है ना आकांक्षा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लेफ्ट, फिर लिखते हैं रूट, फिर लिखते हैं राइट, ऐसा ही लिखते हैं ना। BST की एक प्रॉपर्टी है, हम क्या करते हैं, रूट के लेफ्ट में लिखते हैं छोटे, राइट में लिखते हैं हमेशा बड़े, है ना। अब देख मुझे ट्रेवर्स करना कैसे है, पहले लेफ्ट फिर रूट फिर राइट, तो क्या बढ़ते क्रम में नहीं है? हेलो आप बात समझ रहे हैं मेरी क्या कह रहा हूं मैं? यानी अगर आप आकांक्षाएं नोट्स जो गिवन है ना आपको, इनको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तो आपको आपका इन ऑर्डर मिल जाएगा। तो इन ऑर्डर कैसे मिल सकता है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 एंड 15, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हां जी। तो दिस इज योर इन ऑर्डर। अब तुम्हारे पास प्री और इन है, क्या आप पोस्ट बता सकते हो? बहुत आराम से, बस यही काम करना था मुझे, समझ गए? तो ये क्वेश्चन देखो, कई बार आकांक्षा होता क्या है, किसी BST का प्री ऑर्डर दे रखा है और सीधा वो इन ऑर्डर पूछ लेता है, तब तो कुछ करना ही नहीं ना, जो एलिमेंट है उसको बढ़ते क्रम में लिख दो, सिर्फ आपको ही चेक करना है कौन असेंडिंग ऑर्डर में है, वही आंसर है आपका, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर हो गई भाई सबको ये कहानी? हिना क्लियर है? यस सर। आशु आपको क्लियर है ये बात? आपको जस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। अब जैसे क्या ये BST है, पहले ही बताइए ये BST है, प्रॉपर्टी देखो हर जगह सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। हेलो यही वो BST था जिसको हमें बनाना था, इसका प्री ऑर्डर आप देख लो, मैंने पहले बनाया फिर इससे ये बनाया तब ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। आप इसका ये क्या है आकांक्षा, प्री ऑर्डर है ना, ये वही वाला है जो पिछले क्वेश्चन में था। अब अगर इसका तुझे इन ऑर्डर लिखना हो, अभी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्ट बता दिया, मगर तुम्हें निकालना होता तुम कैसे निकालते, रूट पहले रूट नहीं लिख सकते, पहले आप जाएंगे लेफ्ट में, ये खुद एक रूट है, फिर आप जाएंगे लेफ्ट में, यानी पहले क्या लिखेंगे 1, अब लेफ्ट हो गया, फिर आप रूट करेंगे यानी 3, फिर आप राइट करेंगे यानी 4,
फाइव का लेफ्ट हो चुका है, अब आप फाइव कर देंगे रूट, फिर आप जाएंगे राइट पे, टेन खुद एक रूट है तो पहले करेंगे लेफ्ट यानी कि सेवन, फिर करेंगे टेन, फिर आप जाएंगे राइट पे, इलेवन खुद एक रूट है तो पहले इसका लेफ्ट, वो है नहीं, फिर हो जाएगा इलेवन, फिर हो जाएगा फिफ्टीन, असेंडिंग ऑर्डर है कि नहीं है, तो दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो ये आपका प्री ऑर्डर है, ये आपका इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर अब आप इनसे, इन दोनों की मदद से आपको, अब जैसे ये ट्री तो नहीं होता आपके पास, इन दोनों की मदद से आपको ट्री बनाना मैंने बताया था, तो आपके पास ट्री आ जाएगा, जैसे ही आपके पास ट्री आ जाएगा आप पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑर्डर आपका क्या होगा, वन फोर देन थ्री देन आपका सेवन देन फिफ्टीन देन इलेवन देन टेन देन फाइव, तो यहां से आपका वन फोर थ्री सेवन, वन फोर थ्री सेवन, ठीक है, और उसके बाद क्या है, वन फोर थ्री सेवन के बाद फिफ्टीन इलेवन टेन फाइव, फिफ्टीन इलेवन टेन फाइव, वन फोर थ्री सेवन, और ऑप्शन कोई भी नहीं है, वो तो मैंने इधर से इधर लिखा होगा तो वो गड़बड़ कर लिया कहीं पे, ठीक है, क्लियर हो रही है। फाइव नाम का रूट ही नहीं था, वन फोर थ्री सेवन ये था, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, वन फोर थ्री सेवन, फाइव तो लास्ट में आएगा ना, फिफ्टीन इलेवन टेन एंड फाइव, क्लियर हो गई भाई बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता। तो मेरे ख्याल से ट्री के सारे टॉपिक्स और चीजें कवर हो गए एक्सेप्ट हीप, तो अब हम हीप कर लेंगे, ग्राफ करेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। आप देखो आज के बाद, आज आपके पास टाइम है सबके इनफ है ना, या जो भी आपके अरेंजमेंट्स हैं उनको पोस्टपोन करिए आज के लिए, ग्राफ को करिए आज, मतलब सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, ग्राफ छोटा टॉपिक है तो सुबह ही खत्म कर लेंगे, ज्यादा पर टाइम नहीं लगेगा इसमें डेटा स्ट्रक्चर के पर्पज से। हीप मैं आप कराऊंगा, हीप को और जो सारा, देखो ट्री कल भी हो गया, वीडियो भी पड़ी है, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, उसके पीछे की चीजें रिवाइज कर लीजिए, जिस चीज में डाउट आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, नॉट द होल पीडीएफ, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ रहा है स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं या कोई और हेल्प कर ही देगा, ठीक है, या कल सुबह फिर थोड़ा बड़ा डाउट है तो वो सुबह ले लेंगे, बाकी ग्राफ खत्म कर लीजिए, फिर कल शाम को जो क्लास रखेंगे ना 2 घंटे की, 4 से 6 या किसी भी टाइम, वो सुबह डिस्कस कर लेंगे, उस क्लास में टोटल सारा डेटा स्ट्रक्चर के जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा के, वो खत्म कर लेंगे, और कल शाम को कहानी खत्म इस पर्टिकुलर चीज की, फिर जितने भी हैं सब छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, मतलब सब में ऐसा नहीं है कि ओएस में हम डिटेल कुछ वैसा जाएंगे, जो मैं बताऊंगा उसमें से 95% आप कह सकते हैं क्वेश्चन सारे उसी में से बन जाएंगे, है ना, तो डेप्थ में कितना जाना है कितना नहीं जाना है वो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। हीप शुरू करें भी, तो परसों वालों की वीडियो नहीं, परसों वाले की वीडियो नहीं आई, परसों वाले की वीडियो मैं देखूंगा अभी कोशिश करके, परसों क्या कराया था हमने, ट्री में बेसिक बातें हुई थी, ट्री था, ट्री ट्रेवर्सल था, ये सब चीजें की थी, जो उसमें कॉम्प्लेक्स सा काम आया था वो आज सुबह दोबारा रिपीट मोड में कराया था, उसकी पूरी वीडियो डाल दी है, तो ट्री ट्रेवर्सल था आई थिंक सो, सबकी क्लियर होगी, तो वैसी मुझे जरूरत लगी नहीं एक्चुअली, कंपाइल करने में बहुत टाइम लगता है, अब संडे है, मैं कर भी सकते हैं, देखेंगे, ठीक है, चाहिए होगी तो डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। हीप, फिलहाल हीप शुरू करते हैं। हीप क्या है बच्चों, बाइनरी सर्च ट्री है ना, हीप क्या है, एक मिनट का गैप लेते हैं बच्चों, हेलो करें भाई, हीप बिल्कुल नया टॉपिक है, सभी के लिए नया है, और मेरे ख्याल से ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हीप ही है, पूरे ट्री का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हीप, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कॉम्प्लेक्सिटी पे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन हम एक बार में डिस्कस कर लेंगे, तो हीप स्टार्ट करते हैं। तो हीप इज ए काइंड ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब हीप किसकी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बाइनरी सर्च ट्री की,
बाइनरी सर्च ट्री कहाँ से बता रहे हैं, हीप फॉलो करता है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। पहले भी बताया था जब मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बता रहा था मैं, जितने हमने मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन किए हैं, तो वहां पे हमने किया है ना कि हीप इसी की प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो ये प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हुई भाई? यानी एलिमेंट इस ऑर्डर में लगेंगे, ये नहीं आप कहीं पे भी इंसर्ट करते चले जाएंगे। जैसे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, वो अभी हमने बाइनरी सर्च ट्री किया, उसमें कुछ था क्या? उसमें हमें ये करना था, जो नोड आते थे जैसे 5, 2, 18, 7, 11, 10, ये इंसर्ट करना होता। 5 यहाँ आएगा, 2 इससे कंपेयर होगी, छोटा है तो लेफ्ट में, 18 आएगा 5 से बड़ा है तो राइट में, 7 आया 5 से कंपेयर होगी बड़ा है, 18 से कंपेयर होगी छोटा है, 11 आएगा 5 से कंपेयर होगी बड़ा है, 18 से कंपेयर होगी छोटा है, 7 से कंपेयर होगी बड़ा है, 10 5 से कंपेयर होगी बड़ा है, 18 से कंपेरिजन होगी छोटा है तो लेफ्ट में, फिर 7 से कंपेरिजन होगी बड़ा है तो राइट में, 11 से कंपेरिजन होगी छोटा है तो लेफ्ट में। ऐसे ही तो बनेगा अगर इसका हम क्या बनाए, बाइनरी सर्च ट्री। बट हीप ये काम नहीं कहता। हीप कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? ऐसे नहीं है कहीं कहीं भी नोड जाएंगे, हीप प्रॉपर्टली बैलेंस्ड वे में चलेगा। पहला नोड यहाँ आएगा, अगला यहाँ, अगला यहाँ, अगला यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके। ये बात सबको क्लियर है तो आगे चलें काम को। हेलो, ठीक है। अब हीप बच्चों दो तरीके का होता है, या तो होता है मिन हीप या होता है मैक्स हीप। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा वैसा ही है। तो हम बताइए कौन सा हीप समझना चाहेंगे आप, मिन या मैक्स? मिन हीप। तो मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या है? सेम वही मैक्स की हो जाएगी, रिवर्स बराबर है। मिन हीप में सबसे मिनिमम एलिमेंट रूट पे होगा हमेशा। नेताश्री बात क्लियर हुई है जो बोला मैंने? मिन हीप में जस्ट क्या ध्यान रखना है आपको, मिनिमम एलिमेंट हमेशा टॉप पे रखना है। हीप का मैंने बताया था मिनिमम हीप, आप वो हीप को किस में यूज करते हैं, आप प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, हीप का। क्योंकि देखो आप लोएस्ट प्रायोरिटी को डिलीट करना चाहते हैं तो हमेशा सबसे छोटा सबसे ऊपर मिलेगा। जब हीप कर लेंगे तब दोबारा डिस्कस करूंगा, याद दिला देना अगर भूल गया तो ये बात। ठीक, फिलहाल मिन हीप में मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई, मिन हीप अगर होगा तो मिनिमम एलिमेंट सबसे मिनिमम रूट पे होगा, मैक्स हीप होता तो सबसे मैक्सिमम रूट पे होता, ये बात क्लियर है। अब जैसे इसका मुझे एक हीप बनाना है, एक तो क्वेश्चन जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो क्वेश्चन ये आ जाता है इनमें से कौन सा मिन हीप नहीं है या कौन सा मैक्स हीप नहीं है। पहले हीप समझ ले फिर आगे वैसा क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हीप बनाना सीख लेते हैं। अब हम हीप क्रिएशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्रिएशन ऑफ ए हीप, है ना, या अपनी हीप की कंस्ट्रक्शन करना सीख रहे हैं। तो हीप में पहला एलिमेंट क्या आया नेताश्री, 5। आप कौन सा बना रहे हैं, मिन हीप बना रहे हैं, तो उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। 5 आया तो वो रूट पे आएगा। अगला एलिमेंट कौन आया, 2। नेताश्री अगला एलिमेंट जाना कहाँ पे है, इस लोकेशन पे। क्या अब एक बार बताओ क्या ये बैलेंस है, मतलब क्या ये मिनी हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? मिनी हीप क्या कहता है, नहीं कर मिनिमम रहा सर, रूट पे होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। बच्चों क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सपोज ये एलिमेंट दे देता और पूछ लेता इस एलिमेंट से मिन हीप बनाने में कितने स्वैप लगाने पड़े। तो मान लीजिए मैं स्वैप यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ, हेलो, पहले वाले में कोई स्वैप करना पड़ा नहीं, यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हीपीफाई। तो 2 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, अभी तो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। हेलो, हाँ जी, अब आया 18। 18 कहाँ जाना था, यहाँ पे। हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कौन कहाँ है क्या नहीं है। आप एक बार बताओ हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है 18 को लगाने के बाद या नहीं? हेलो, जी सर, है ना, तो अब कोई चक्कर ही नहीं है, हम कुछ करेंगे नहीं। अगला एलिमेंट क्या आया, 7। तो हम 7 कहाँ जाना है आकांक्षा, 5 के लेफ्ट में 7 को लगा दिया। क्या 7 लगा के हीप की मिन हीप चल रहा है, इसकी प्रॉपर्टी वायलेट हुई कुछ? नहीं, तो अभी भी कुछ नहीं करेंगे। अब आया तुम्हारे के पास क्या, 11। 11 लगा के प्रॉपर्टी वायलेट हुई क्या? नहीं, नहीं हुई, तो कुछ नहीं करेंगे। अगला आया 10, कहाँ जाना है, 18 के लेफ्ट में, 10 लगाया प्रॉपर्टी वायलेट हुई क्या? नहीं, नहीं, क्यों? देखो यस सर, हुई वही हो गई। आप आकांक्षा ये देखिए, 10 जो है वो 18 से छोटा है, तो 18 रूट होना चाहिए, 10 नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे ये बात सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यानी आपको एक स्वैप करना पड़ेगा, और मैंने क्या कर दिया, इसका 2 रहेगा यहीं पे लेफ्ट वाले में, तो कुछ होना ही नहीं था, और यहाँ पे चला गया 10, यहाँ पे चला गया 18। अब दोबारा 10 की कंपेरिजन 2 से होगी, क्या 10 2 से छोटा है ना? हेलो, तो कोई समस्या नहीं आ रही, अब कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये हिपीफाई हो चुका। अगर इसके आगे मैं दो एलिमेंट और मान लेता हूं, एक एलिमेंट माना आकांक्षा मैंने वन, क्या माना मैंने वन, और इसके बाद जीरो और है, चलो वन को ऐड करके देखते हैं। ठीक है, मैंने वन को ऐड किया, यहाँ पे वन कहाँ ऐड होना है, अब यहाँ पे वन ऐड होके क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हीप की, नहीं। तो यानी टेन से कंपैरिजन होगी, रूट से छोटा नहीं है, तो वन ऊपर टेन आ जाएगा नीचे। अब वन यहाँ पे है, वन की कंपैरिजन अब टू से होगी, वन टू से भी छोटा है तो टू चला जाएगा नीचे, वन चला जाएगा टॉप पे। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, तो यानी अब हीप क्या बन जाएगा, टू यहाँ पे, फाइव यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आ चुका है, देखो यहाँ पे आ गया वन, लेफ्ट को लिख लेता हूँ पहले, सेवन और इलेवन। राइट में देखो इसके क्या था, जब ये टू आ जाएगा यहाँ पे, हेलो, एक स्टेप में मैंने एक्चुअली ये काम कर दिया, तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे, इतने तो इंटेलिजेंट हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कैसे बना। ये वन ऊपर गया था, टेन नीचे आया था, फिर वन की टू से हुई तो टू नीचे आया, वन ऊपर आया, ऐसा बन गया। अभी एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, दैट इज योर जीरो, कहाँ जाना है आकांक्षा, सेवन के लेफ्ट में, सॉरी यहाँ पे काउंट नहीं किया आपने स्वैप्स, तो आपको स्वैप्स काउंट करने थे, दो स्वैप आप कर चुके हो, है ना, वन के केस में। अब जीरो के केस में जीरो आएगा, सेवन से कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा, सेवन नीचे जीरो ऊपर, फिर जीरो की फाइव से होगी, फिर जीरो की वन से होगी, तो यानी एलिमेंट आपको क्या बन चुका होगा, जीरो होगा यहाँ, टू, एटीन और टेन, इनको तो छेड़िए ही मत। यहाँ पे आ गया क्या आपका, वन आएगा, राइट में इसके इलेवन से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा फाइव और यहाँ पे आ जाएगा सेवन। क्या हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है निताश्री, बात क्लियर हो रही है? और स्वैप कितने लगे हैं, वन टू थ्री। अब अगर ये क्वेश्चन होता, देखो अगर आपने एक बनाना सीख लिया ना, अब दुनिया का जो मर्जी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, जीरो को इंसर्ट करते हुए कितने स्वैप करने पड़े, कितने करने पड़े थे जीरो के केस में, तीन, एक दो तीन। मान लो ये क्वेश्चन आता कि इलेवन को इंसर्ट करते हुए कितने स्वैप करने पड़े थे, एक भी नहीं करना पड़ा। पूरे हीप को बनाने में इन एलिमेंट से कितने स्वैप करने पड़ेंगे वो काउंट कर लो, ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, हीप इंसर्शन का पूरा काम हो जाएगा। हेलो, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, हीप क्रिएशन का मतलब हीप में इंसर्शन का। अब जैसे मैं कह दूं नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है मुझे, है ना, नेक्स्ट इंसर्ट करना है मुझे, मान लीजिए 12, तो 12 को इंसर्ट करना होता कहाँ जाता, यहाँ पे, कोई स्वैप करना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, है ना, कोई स्वैप करना पड़ेगा इसके केस में, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कहानी खत्म। सबको ये बात क्लियर है, क्लियर है तो मैं आगे चलूं। जी। अभी कभी कभी क्वेश्चन ये वाला भी दे देता है कि जैसे आकांक्षा सिर्फ इस वाले हीप को देख पूछ ले क्या ये मिनी हीप है, तो नहीं है मिनी हीप है, तो आपको चेक करना है हर एलिमेंट जो है रूट पे वो नीचे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए बस। तो अभी इसमें टू तो सही था, फाइव और एटीन से छोटा है, फाइव भी सही है, सेवन और इलेवन से छोटा है, एटीन सही नहीं है, तो इसलिए मिनी हीप नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि इनमें से कौन सा मिनी हीप है या कौन सा मैक्सिम है, तो चार में से एक ही होगा, बाकी तीन नहीं होंगे, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये क्लियर हो गई बात या नहीं? इसके बाद अगर एक एलिमेंट हो होता 12 के बाद फोर, फिर क्या होता 12 के बाद बताओ, फोर, एक एलिमेंट हो, हाँ, फोर कर लेता इंसर्ट। चलो भाई फोर इंसर्ट करो, तो कहाँ आना चाहिए, 11 के लेफ्ट में, है ना। अब 11 से तो छोटा है, तो फोर जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। अगले स्टेप में फोर की कंपेरिजन वन से होगी, वन से छोटा नहीं है, तो बस यही सेट हो जाएगा, यानी एलिमेंट क्या बन जाएगा, बस इससे कंपैरिजन होगी। कंपैरिजन देखो दो ही है, हेलो, स्वैप एक हुआ है, कंपैरिजन दो ही है, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन का काउंट करने को है अलग चीज है, स्वैप काउंट करने को थे तो अलग चीज है। अब जीरो आएगा बच्चों यहाँ, यहाँ रहेगा वन, इधर वाले ट्री पे तो कोई फर्क है ही नहीं, और वन के लेफ्ट में यहाँ पे फाइव था, इसके लेफ्ट में सेवन, ट्वेल्व, इनको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे क्या जाएगा, फोर ऊपर चला गया और इसके लेफ्ट में है इलेवन। क्लियर हो रही है आशु? कितना भी बड़ा बना लो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई भाई? अब जो मजे की चीज आपको सीखनी है वो क्या है, हीप में से डिलीशन करेंगे। क्या करेंगे हम, हीप में से डिलीशन हम पढ़ेंगे। तो आपको कोई हीप गिवन होगा, जैसे मैं यही वाला हीप बांध लेता हूँ जो हमारे पास फाइनली बच के आया है, इसको यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, जीरो, वन, टू, फाइव एंड फोर, एटीन एंड टेन, देन सेवन एंड ट्वेल्व एंड देन इलेवन। यही तो हमारा हीप था। क्वेश्चन बच्चों पता है क्या आ जाता है, क्वेश्चन ये आ जाता है, आफ्टर टू डिलीशन क्या होगा हीप, या आफ्टर वन डिलीशन क्या होगा हीप। आकांक्षा समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अगर आपको डिलीट करना है, डिलीट वन एलिमेंट,
अच्छा अब इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि इसमें से 18 डिलीट कर दो। हीप में हमेशा डिलीट कौन होगा? हीप में डिलीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं ऑलवेज टॉप विल बी डिलीटेड। ओके ये हीप में प्रॉपर्टी है, अगर डिलीट करना है ना आपको तो डिलीट कौन होगा? टॉप। और जैसे दो डिलीट करने हैं तो ये नहीं 0 और 1 को डिलीट मार दो, या 0 और 2 जो टॉप पे दिख रहे हैं ना, पहले एक एलिमेंट डिलीट होगा फिर हीपीफाई होगा, फिर जो हीप बनेगा उसके में जो भी टॉप में पड़ा होगा वो डिलीट होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं इसमें दो तीन डिलीशन करके दिखा देता हूं आपको। तो जब आप डिलीट करेंगे आकांक्षा तो डिलीट होगा क्या? एक्चुअली में 0 डिलीट होगा। तो डिलीट होके क्या आ गया बाहर? 0। अब यहाँ पे आप लोग मेरी बात समझिए निताश्री, जब हम मान लो मेरे पास ये प्रायोरिटी क्यू थी, ये वो प्रोसेसेस थे जो आ रहे थे प्रायोरिटी क्यू के लिए, ठीक है, मैं इन प्रोसेसेस को लाइन में लगाता जा रहा था, मैंने मिन हीप बनाया, ठीक है। अब जब ये लाइन में लगे हैं ना, अब जैसे डिलीट होगा तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? जो टॉप पे है, तो टॉप पे यहाँ कौन दिख रहा है? 0। तो 0 ही तो तुम्हारी हाई प्रायोरिटी वाला था या नहीं था, बोलिए। हाँ जी थोड़ी बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी होगी ना। ऐसा मान लीजिए जिसका नंबर जो है ना सबसे मिनिमम नंबर की सबसे टॉप प्रायोरिटी है, ऐसा मान लीजिए, तो 0 वाले की टॉप प्रायोरिटी हुई कि नहीं हुई? तो हाँ सबसे जी पहले डिलीट 0 हो रहा है, दैट इज फाइन फॉर अस। बात समझ में आई? हाँ जी अब जैसे ही हम पहले एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, अब ये हीपीफाई होगा। हीपीफाई होने का मतलब क्या होता है? ये दोनों चीज देख लो पॉइंट, पहले ऑलवेज टॉप एलिमेंट विल बी डिलीटेड एंड लास्ट एलिमेंट विल टेक इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है? यानी आपने डिलीट किया तो डिलीट क्या होगा? ये 0 डिलीट होगा और 11 इसकी जगह चला जाएगा, यानी ये डिलीट करते 11 आ ओके गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, एंड देन राइट में क्या है? 2, 18 एंड 10, 5 एंड 4, एंड देन लेफ्ट में क्या था? 7 एंड 12। लास्ट एलिमेंट तो डिलीट हो चुका है 11, तो ये प्लेस खाली हो गया। ये बात समझ में आ रही है? हेलो। देन हीपीफाई। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है मिनी हीप की? नहीं इसलिए नहीं देखिए कर डिलीट रहा। करने का प्रोसेस क्या है, टॉप डिलीट नो होगा, सर, नो सर। देन टॉप डिलीट होने के बाद लास्ट एलिमेंट उसकी जगह ले लेगा, वो काम हमने कर दिया, लास्ट एलिमेंट को वहां पहुंचा दिया, देन उसको हीपीफाई करना है। हीपीफाई करने का मतलब क्या है कांशा और निताशा, कि निताश्री हमें जो अगर हम मिन एक के सेकेंड हिसाब से कर रहे हैं तो आकांक्षा, मिनिमम एलिमेंट शुड बी एट द टॉप। मैं क्योंकि हाँ मिन हीप है तो टॉप पे मिनिमम होना चाहिए ना, बट अभी ये प्रॉपर्टी जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट हमेशा कहाँ होता है? मैं तुझे कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाह रहा हूँ इनकी। जैसे लास्ट अभी कोई एलिमेंट आएगा, मान लो कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो आपको पता है वो यहीं पे होगा, होगा तो हाँ कॉम्प्लेक्सिटी जी कितनी होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ 1 इंसर्शन की। लेकिन जो एलिमेंट मैंने यहाँ पर डाला अगर वो 19 था तो ठीक था, बट मान लो मैंने डाल दिया -1 तो ये टॉप तक नहीं जाएगा। हेलो निताश्री, कंपैरिजन ये बात क्लियर हो रही है कि सर। नहीं? कंपैरिजन करनी पड़ेगी उसे ऊपर तक। अब देखो कंपैरिजन जब हो रही है तो देखो हर बार में हाफ छूट रहे हैं, जैसे इससे हुई तो क्या इसके लेफ्ट वालों से हो रही है क्या? नहीं। नहीं 4 के बाद ऊपर हुई क्या लेफ्ट सब ट्री से? हुई नहीं। 1 के बाद ऊपर से हो गया क्या राइट सब ट्री से? हुई नहीं। तो हमेशा हाफ से हो रही है, और देखो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड है। इसलिए हीप इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। समझ में आई? ऑलवेज ऑलवेज देयर इज नो बेस्ट केस वर्स्ट केस, ऑलवेज इट इज ऑर्डर ऑफ 1, कुछ भी आ जाए ऑर्डर ऑफ लॉग एन, सॉरी। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया ना। अब निताश्री एक बात बताओ, डिलीट करना था तो टॉप डिलीट होगा, इसमें तो कोई काम ही नहीं है, मगर अगर आपने इसको डिलीट कर दिया लास्ट एलिमेंट को इसकी जगह उठा के डाल दो, ये भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, मगर क्या अभी ये हीप है मिन हीप है? नहीं, हमें इसे हीपीफाई करना पड़ेगा। हीपीफाई मतलब इसको इसकी सही लोकेशन पे पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचेगा? 11 को अब देखो 1 और 2 में से छोटा कौन है उसको ऊपर ले आओ, छोटा कौन है तो 1 आ जाएगा ऊपर, ये हीपीफाई कर रहे हैं। ये तो डिलीट किया, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो यह स्टेप 1, देन हमने कहा कि स्टेप 2 में लास्ट एलिमेंट को यहां ले आओ, देन हीपीफाई थर्ड। तो मैंने देखो पहला प्रोसेस यहां कर दिया, इसको डिलीट मार दिया, देन सेकंड प्रोसेस किया इसको टॉप पे ले आया, देन थर्ड प्रोसेस कर रहा हूं मतलब हीपीफाई कर रहा हूं। तो हीपीफाई कैसे कर रहा है? 1 आया ऊपर, अब देखो राइट वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, 2 यहीं पे है, 18 यहीं पे है, 10 यहां पे है ना। अब इधर देखिए लेफ्ट में 11 चला गया यहां 1 की जगह पे, बट क्या 11 सही है 5 और 4 में? नहीं ना। नहीं अब इन दोनों में से जो छोटा है वो ऊपर, तो 4 ऊपर, और अब 4 ऊपर गया तो 5 वाले को तो कोई समस्या ही नहीं है। हेलो, हाँ जी अब ये कहाँ आ गया 11। बच्चों लगे जरूरी नहीं है टॉप वाला जो डिलीट हुआ है वो सबसे नीचे जाके सेट होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट देयर इन द हीप।
मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो हीप में भी एक डिलीमिट डिलीट किया है, अब जल्दी जल्दी करना सीखेंगे, मतलब हीप में से और भी डिलीट करना। तो दो तीन एलिमेंट और डिलीट कर लेते हैं, इसके लिए मैं हीप को खाली कर लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई सबकी या नहीं? हेलो, जी अब हम हीप अपना जो अभी बना बनाया है उसको देख लेते हैं, पीछे वाला तो है ही ना यहाँ पे। अब मुझे फिर डिलीट करना है एक और एलिमेंट, अभी डिलीट क्या हो चुका था, जीरो हो चुका था। अब अगला डिलीट करूंगा तो आकांक्षा क्या आएगा, वन बाहर आएगा। यहाँ पे हीप सॉर्ट भी खत्म हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, प्रोसेस देखते रहिए। वन डिलीट होगा तो कौन जगह लेगा, कौन बताएगा? नहीं, नहीं बिल्कुल, 12 12 12। नेताश्री कौन जगह लेगा? वन डिलीट करूंगा तो टॉप पे कौन आएगा? हिना कौन आएगा? हिना टॉप पे कौन आएगा? गौरव सर, इसमें 12 आएगा, या इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था ना शायद, कि लेफ्ट से लेंगे तो उसका हाईएस्ट होगा और राइट सब ट्री से आपको लेंगे तो ये काम नहीं स्मॉलेस्ट करना। मैंने अभी क्या बताया था, होगा। देखो ऑलवेज टॉप डिलीट होगा, सेकंड प्रोसेस क्या बताया था, लास्ट एलिमेंट उसकी जगह लेगा, फिर हमें हिपीफाई करना है। यानी कि डिलीट कौन होगा, वन, उसको तो मैं बाहर निकाल लाया। अब इसकी जगह कौन लेगा, 12, यानी 12 यहां से डिलीट हो गया और 12 आ चुका है अभी यहाँ पे। बात समझ में आई? अब 12 जब यहाँ पे आ गया, क्या ये हिपीफाई है? नहीं है। तो हिपीफाई ऊपर कर लेते हैं, देखो अगर मैं बढ़ाता रहूंगा ऐसे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने 12 को यहाँ से डिलीट करके यहीं ले आया हूँ। समझ आ गई होगी आपको, इसलिए अलग कलर का यूज कर लिया। 12 आ गया यहाँ पे, हिपीफाई करना है। हिपीफाई करने का मतलब 12 को इसके सही पोजिशन पे पहुंचाना है। तो लेफ्ट और राइट में से कौन छोटा है टू बच्चों? देखो राइट पिछली बार जब वन को यहाँ पे लेके आए थे तो इसके पास 11 था यहाँ पे, तो हमें इन दोनों में से देखना था कौन छोटा था, छोटा कौन था, वन। तो वन को ऊपर लेके गए, है ना। इस केस में क्या है, 12 में 4 और 2 में से जो छोटा है वो ऊपर रहेगा, यानी 2 आ गया ऊपर। अब देखो यानी 12 आएगा यहाँ पे, हेलो 12 यहाँ पे आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 12 को कंसिडर करके देखना जरा, यानी लेफ्ट सब ट्री में तो कुछ होना ही नहीं है, यानी 4 5 11 और 7, इसको छोड़ दो एज इट इज। अब राइट वाले में देखो, 2 के बाद 12 आया था नीचे, लेकिन यहाँ सेट नहीं हो सकता, 10 जाएगा ऊपर, 12 जाएगा यहाँ, 18 जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर अगला एलिमेंट मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट क्या होगा, 2, और इसकी जगह कौन लेगा, 7। समझ में आ रही है बच्चों? ये नहीं है कि जो सबसे बड़ा है वो जगह लेगा, देखो सबसे बड़ा होता तो 18 होता ना, मगर मैंने क्या बताया, लास्ट एलिमेंट उसकी जगह लेता है। अब अगर फाइनल हीप बना लेता हूं और डिलीशन मैं नहीं करूंगा, 7 यहां पे आ गया, 7 को सही लोकेशन पे पहुंचाना है। 4 और 10 में से छोटा कौन है, 4, यानी 4 चला जाएगा ऊपर। अब लेफ्ट राइट पार्ट तो एज इट इज लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे 7 गया ऊपर, वो 7 आया नीचे, 4 चला गया था ऊपर। 7 को अब देखो 5 और 11 में से कौन छोटा है, 5, तो 5 जाएगा ऊपर, तो यानी 11 चला जाएगा यहाँ, यहाँ पे आएगा 7। अरे क्लियर हो रही है बच्चों? तो यहाँ पे 5 के बाद कौन आ चुका है, यहाँ पे 7 आ चुका है। बस कहानी खत्म। सर हाँ बोलिए, ये बात क्लियर होगी ना सबको? अगर अब निताश्री, सर फोर हाँ को भी बताओ, डिलीट करें तो उसके बाद, अगला एलिमेंट एक और अगर डिलीट सर करके फोर देख को लेते हैं। डिलीट करें तो इस बार एक चीज है। इस बार जगह कौन लेगा, 12 लेगा। अगर एक और डिलीशन करना होता, मान लो इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहले मैं यहां पे दिखा देता हूं, सबसे पहले स्टेप में ये डिलीट हुआ था, अभी एक ही एलिमेंट डिलीट हुआ है। देन मान लो ये तुम्हारा, मान लो मैं ए मान लेता हूं इसको, देन हमने ए से बनाया था ये बी, है ना। क्या डिलीट करा था, जब हमने डिलीट किया था क्या, वन, वन को डिलीट करके ये बन गया था, फिर हमने इसमें से डिलीट किया था 2, तो 2 को डिलीट किया तो क्या बन रहा है, 4। अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये ट्री बना हुआ है, ये हीप है, और मुझे एक और डिलीशन करना है। तो आपको पता है अगर अब डिलीट होगा तो कौन डिलीट होगा, कौन डिलीट होगा, 4, इसकी जगह कौन लेगा, 12, 12 लेगा, हिपीफाई कर लो। यानी 5 और 10 में से छोटा कौन है, 5, 5 जाएगा ऊपर, इधर वाले को छेड़ो ही मत, 18, 12 तो ऊपर चला गया ना, 12 तो जा चुका, यहाँ पे क्या आएगा, 12 नीचे आया था, 5 ऊपर, चलो कहानी सही है। अब 12, 7 और 11 में से छोटा कौन है, 7, तो 7 आएगा यहाँ, 12 आएगा यहाँ पे, 11 आएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी। हाँ जी। अच्छा भैया एक
क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, जैसे हमने ये कंपैरिजन किया जब हमारा 12 आया 5 की जगह, और फिर हमने ये कंपेयर किया कि भाई 7 और 11 में कौन सा छोटा है, तो क्या ये वाली कंपैरिजन भी काउंट होगी? देखो पेपर में कंपैरिजन काउंट हो रही है, स्वैपिंग भी काउंट हो रही है, जैसे हम उसमें करते हैं बबल सॉर्ट में कोई से भी सॉर्टिंग करते हैं तो हम सब चीज काउंट करते हैं ना, तो काउंट सारी चीजें हो रही है। अब पेपर में वो ये बोल देता है इसमें ये डिलीट किया, मान लो मैंने ये ट्री ये हीप दे देता, कह देता मैंने 4 डिलीट किया, पूछे कितनी कंपैरिजन हुई तो कंपैरिजन बतानी है, पूछे कितने स्वैप हुए तो स्वैप बताना है, क्लियर हुई कि नहीं, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अब मुझे हीप में डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा? एनीवन नेताश्री क्या लग रही है आपको हीप में डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी? नेताश्री प्रेजेंट हो भी आप या नहीं? इसका माइक क्यों ऑन है मुझे लग रहा है बस। आकांक्षा क्या है? लॉग इन। लॉग इन, लॉग इन क्यों है? क्योंकि अगर हम जहां से हम डिलीट मार रहे हैं ठीक है, और उसको फिर ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर उसमें स्वैपिंग और कंपैरिजन में हम सिर्फ एक एंड पे ही करते हैं, मतलब देखो फर्स्ट कंपैरिजन के बाद। एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल। देखिए हो क्या रहा है, अगर मेरे को कभी भी डिलीट करना था तो मैंने जो डिलीट कर रहा हूँ मैं लास्ट एलिमेंट को उसकी जगह रख देता हूँ, बट दिस इज नॉट इनफ, मुझे क्या करना पड़ता है, देन हीपीफाई करना पड़ता है। हीपीफाई करने का मतलब इसकी लेफ्ट राइट से कंपैरिजन होगी, जो छोटा है वो ऊपर, फिर यहाँ गया तो जरूरी नहीं है लोकेशन सही हो, फिर दोबारा लेफ्ट राइट से, तो हमेशा कितनी कंपैरिजन होगी उसके लिए, मैक्सिमम लॉग एन। तो हीप में डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी की आती है लॉग टू बेस एन, बेस्ट केस में भी वर्स्ट केस में भी। मेरे ख्याल से क्लियर होगी होगी भाई सबको, रटने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? जी सर। है ना? हाँ जी सर। ओके तो हीप इंसर्शन हो चुका, हीप डिलीशन हो चुका। अच्छा आकांक्षा अब आपको एक चीज दिख रही है, प्रायोरिटी क्यू कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले आपको किसको सर्विस देनी थी? जीरो को, देन वन को, देन टू को, देन फोर को। अगर आप हीप बनाएंगे तो देखो आपको बार बार ढूंढने में कोई समय नहीं लग रहा है, आपको क्या करना पड़ रहा है, जस्ट फर्स्ट अगर आपने हीप बना रखा है ना तो लॉग एन में, अब देखो क्यू होती, अगर आपने क्यू में ऐसे ही एलिमेंट डाल रखे होते उल्टे सीधे, है ना, 8, 2, 1, 0, 4, 6, 7, 11, अगर ये एलिमेंट पड़े होते ना बच्चों, हीप है, अब क्यू है, तो क्यू में मान लो इस टाइम फ्रंट था यहाँ पे और रियर था यहाँ पे, अब मुझे अगर ये प्रायोरिटी क्यू होती तो मुझे क्या करना पड़ता भाई, अगर मुझे सर्च करना होता सबसे छोटा एलिमेंट कौन है जिसे सर्विस देनी है, तो पूरी क्यू में सर्च करना पड़ेगा ना, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा कि नहीं। जबकि अगर मैं इस क्यू को इम्प्लीमेंट करूं थ्रू हीप, तो हीप में इंसर्शन में कितना टाइम लगता है? लॉग टू बेस एन। डिलीशन में कितना टाइम लगता है? लॉग टू बेस एन। तो यानी अगर आप हीप से बनाओगे तो आपके लिए ये करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर हो गई प्रायोरिटी क्यू को इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं किसके थ्रू? हीप के थ्रू। हीप में इंसर्शन डिलीशन क्लियर है? अब देखो मैं आपको हीप सॉर्ट बहुत छोटे से बता देता हूँ, क्योंकि देखो हम पे समय की थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, वरना तो इसे मैं इम्प्लीमेंट करके भी दिखाता। आकांक्षा मेरे को ये एलिमेंट मिले थे शुरू में, नीताश्री शायद आप वापस आ चुके हैं, है ना, हमें ये एलिमेंट मिले थे, मुझे सॉर्ट करने थे। सॉर्ट करने के लिए हमने कई टेक्निक्स पढ़ी, आज हम हीप सॉर्ट पढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं इसको वन बाई वन हीप बनाऊं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा हीप बनाने में, हीप की कंस्ट्रक्शन में, हीप सॉर्ट? मैं आपको ये डायरेक्ट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आगे आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे चलता है। हीप में एक एलिमेंट, ये सारा हीप का जो मेन कंटेंट है ना वो यहाँ आ जाएगा। बनाना और डिलीट करना आ गया अगर आपको, तो क्वेश्चन इससे बन सकता है 50%, देयर इज अ चांसेस कि क्वेश्चन इससे आ जाए, और जो बाकी क्वेश्चन आते हैं वो हीप की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे वो सारे इस पर्टिकुलर पेज से ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो हीप सॉर्ट में सबसे पहली बात, हीप में वन एलिमेंट इंसर्ट करने में कितना टाइम लगता है? लॉग एन। लॉग एन, तो यानी अगर मेरे पास एन एलिमेंट गिवन है और मुझे उसका हीप बनाना है, यानी एन के एन एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ेंगे, यानी हीप बनाने में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। नीताश्री बात क्लियर है ना? है ना? अब वन एलिमेंट को डिलीट करना हो तो कितना टाइम बताया? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। एन एलिमेंट डिलीट करने हो तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ये बात क्लियर है सबको? अब आकांक्षा यहां पे वापस देखिए, अगर मैं वन बाई वन जो एलिमेंट्स मुझे गिवन थे मैं हीप बनाऊं, मेरे को टोटल कितना टाइम लगेगा? एन लॉग एन। सारे के सारे इंसर्ट करके मैंने फाइनल हीप बना लिया था अपना,
ये सारे एलिमेंट गिवन थे, तो यही तो मेरा फाइनल हीप बनता, बन गया। अब मैं वन बाई वन इसमें से डिलीट मार रहा हूँ, मेरे को कितना टाइम लगेगा और एन लॉग एन। मगर जब मैं डिलीट कर रहा हूँ आकांक्षा जी, तो आप मुझे एक बात बताइए, एलिमेंट कैसे निकल के आ रहे हैं बाहर? असेंडिंग ऑर्डर में 0, 1, 2, 4, देन क्या आएगा 5, लाइक दिस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना, एलिमेंट सॉर्टेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ जी, बस। तो ये हीप सॉर्ट अगर आपको करना हो तो वन बाय वन हीप बना लीजिए, फिर वन बाय वन डिलीट डिलीट कर लीजिए। यानी हीप सॉर्ट में अगर मैं बात करूं, हीप सॉर्ट में कितना टाइम लगेगा? पहले हीप बना लो एन लॉग एन, प्लीज डिलीट कर लो एन लॉग एन, यानी 2n log n, यानी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो हीप में बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, सब में यही कहानी है। इसलिए समझ में आ गया, कोई भारी काम नहीं था ना। हेलो, ये बात क्लियर है सबको? निताश्री, हीप सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना कोई बड़ी बात है? अब नहीं। ओके, अब हीप में कुछ दो, ये तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। हीप के मेरे हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, मिनिमम एलिमेंट इन मिन हीप, इन मिन हीप, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट ढूंढने में कितना टाइम लगता है, और मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट इन मैक्स मिन हीप, मिन हीप में मिनिमम एलिमेंट ढूंढने में कितना टाइम लगेगा और मैक्सिमम। ऑप्शन है आपके पास ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ऑर्डर ऑफ वन किस चीज का? दोनों मिनिमम का तो ऑर्डर ऑफ वन और मैक्सिमम का ऑर्डर ऑफ एन। हाँ, मिनिमम का वन और मैक्सिमम का ऑर्डर ऑफ लॉग एन या एन? एन एन लॉग एन क्यों नहीं है भाई? नहीं, लॉग एन होना चाहिए ना। अच्छा नहीं सर, एन होगा, लॉग एन नहीं होगा, एन होगा। अरे सुन तो लो भाई, ठीक है ओके। ये तुम्हारे पास एक बीएसटी था, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में हमने इंसर्शन डिलीशन सबकी कॉम्प्लेक्सिटी करी, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एलिमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इन बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च ट्री। तो ये गिवन भी है तुम्हें, यहां से देखना जरा, मिनिमम एलिमेंट की पूछ रहा हूँ। बाइनरी सर्च ट्री इन जनरल केस लॉग एन ही होगी भैया। तीन केसेस बन सकते हैं इसमें, जनरल, एवरेज और वर्स्ट। देखो जनरल केस, तो अगर मान लो तुम्हारे पास ट्री, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास ट्री ये है, ऐसा भी बीएसटी हो सकता है ना जिसका ड्रामा क्या था, जिसकी वजह से हमें एवीएल की जरूरत पड़ी थी। अब इसमें तो मिनिमम कहां होगा, रूट पे ही होगा ना, तो ऑर्डर वन में भी मिल सकती है। हेलो वो तो फिर बेस्ट केस हो गया ना। सुनिए तो, हाँ ये बेस्ट केस है, ठीक। और अगर हम बाकी बात करें वर्स्ट केस की, तो अगर वर्स्ट केस में अब ट्री क्या होगा, इस तरीके का ही बना होगा ना भाई, या तो ट्री ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। अब इसमें होगा तो आपको क्या करना है आकांक्षा, मिनिमम कहाँ होगा? फर्स्ट वाले से कंपैरिजन करके हम हमारा कंपैरिजन तो करना ही नहीं है मैडम। रूट हमेशा जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड होगा ना, दैट इज योर मिनिमम ऑलवेज, और मैक्सिमम विल बी जो आपका राइट मोस्ट होगा, जिसका राइट नल होगा, ठीक है, यानी 35 फिलहाल। बट आपको मिनिमम ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, जिसका जब तक एलपीटीआर ऑफ एलपीटीआर नल नहीं होता, आप लेफ्ट में मूव करते रहिए। 15 का एलपीटीआर नल है, नहीं, फिर आप जाएंगे नेक्स्ट पे, 9 पे, जो भी इसका एलपीटीआर पे पड़ा होगा, यानी इसके लेफ्ट पॉइंटर पे जो भी होगा, इसके लेफ्ट पॉइंटर में 9 है, क्या 9 का लेफ्ट पॉइंटर नल है? नहीं, तो आप इसके लेफ्ट पॉइंटर पे जाएंगे। क्या इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है? नहीं, आप इसके लेफ्ट पॉइंटर पे जाएंगे। क्या इसका लेफ्ट पॉइंटर नल है क्या बच्चों? है ना, 5 का लेफ्ट पॉइंटर नल, तो 5 ही आपका मिनिमम एलिमेंट है। अब अगर देखो बच्चों, यहाँ पे 6 भी होता ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 का लेफ्ट पॉइंटर नल है ना, तो दैट मींस 5 इज योर मिनिमम एलिमेंट, 6 तो बड़ा है, समझ भाई। टाइम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ लॉग एन। आप अपना हाफ हाफ करते जा रहे हो, अरे या तो ये होता केस या ये होता। तो यानी बेस्ट केस तो ये है, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस में क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए। ये किसकी बात कर रहा हूं, बीएसटी में एलिमेंट सर्च करने की, एलिमेंट सर्च करने की कॉम्प्लेक्सिटी है ये। ये आपका वर्स्ट केस बनाया है मैंने, वर्स्ट केस, और जो पीछे है वो जनरल एंड एवरेज केस है। क्लियर हो रही है सबको? गौरव, हिना, क्लियर है भाई सबको? हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं वापस से, हम अपने हीप पे पहुंचते हैं। अब आप हीप की शक्ल देखिए, ये आपका हीप है, कोई सा भी देख लीजिए, ये आपका हीप बना हुआ है, ठीक है।
अब बताइए मुझे इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है। हीप में मिन हीप था फाइनल आपका, ये कोई सभी अपना मिन हीप उठा लीजिए जैसे ये है। इसमें मिनिमम एलिमेंट कहाँ होगा देखें, तो टॉप पे, तो रूट को प्रिंट कर लो हो जाएगा, किसमें ऑर्डर ऑफ वन में मिनिमम मिल जाएगा। मैक्सिमम ढूंढना हो तो आकांक्षा हमें ये पता ही नहीं होता, इसके नीचे की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती कि इसके लेफ्ट और राइट में कौन छोटा बड़ा है, ये मेरे पास नहीं पता। जबकि बीएसटी में पता है इसके राइट में बड़ा होगा, लेफ्ट में हमेशा छोटा होगा, तो मुझे मिनिमम ढूंढना है तो मैं राइट में जाऊंगा ही क्यों। क्लियर हो रही है? लेकिन हीप में ये काम नहीं होता, यानी आपको सारे के सारे नोड ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑन ऑर्डर ऑफ वन। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसका हीप में आंसर ऑर्डर ऑफ एन होता है, वरना हीप में इंसर्शन डिलीशन सब काम में लॉग एन में काम चल रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका सेम रिवर्स क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, मिनिमम एलिमेंट इफ मैक्स हीप, अगर मैक्स हीप में मिनिमम ढूंढना हो तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन, और मैक्स हीप में मैक्सिमम तो टॉप पे ही पड़ा होगा यानी ऑर्डर ऑफ वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा है, लॉजिकल है, और ये वो है जिसमें बच्चे ज्यादातर गड़बड़ करते हैं क्योंकि हीप का सारा काम लॉग इन में हो रहा है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी या नहीं हुई ये बता दीजिए बस। एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन। हीप में एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो क्वेश्चन और समझाने के लिए एक छोटा सा हीप बनाऊंगा और कल से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, कल सुबह ही ग्राफ खत्म हो जाएगा इन एंड आउट पूरा, और ग्राफ के साथ हमें हैशिंग भी कंप्लीट करनी है, तो इसलिए हमें 1.5 घंटे के करीब की क्लास लेनी पड़ेगी। ओके भाई अभी कितना टाइम, 7 मिनट बच रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, एकदम 7 बजे तक एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा ये। करें भाई स्टार्ट लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है हीप का कैसे करके क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको एक हीप बनाता हूँ, मिन हीप या मैक्स हीप कुछ भी समझ लीजिए, मैक्स हीप समझ लेता हूँ, 18, 5, 12, 0, 4, और अगला एलिमेंट है यहाँ पे, देखते रहिए हीप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, 11 और 9 है ना, और इसके लेफ्ट में ले लिया मैंने 4 और 7। क्या ये सही है हीप, मैक्स हीप, सब जगह सब सब चेक करके देखो, मैक्सिमम सब जगह सही है, सेट है। हाँ जी सर, हाँ जी है ना। निताश्री सही है, हिना हिना बता दो भाई जल्दी, हिना सही है, बेहतरीन। देखो बच्चों बात ऐसी है, ये हीप ही नहीं है, पहली बात हीप होता तो हीप में यहां तक एलिमेंट, अगले एलिमेंट यहाँ लगने थे, तुमने यहाँ लगा रखे, समझ में आ गई। तो क्वेश्चन कैसा आता है, मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताया था, ये चेक करने के लिए आते हैं, 4 हीप गिवन होते हैं ए बी सी डी करके, पूछ लेता है इनमें से कौन सा मैक्स हीप नहीं है, तो ये मैक्स हीप नहीं है, भले से ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है मगर ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हीप की फॉलो नहीं कर रहा। हीप में एलिमेंट हमेशा लेवल बाय लेवल चलते हैं, हीप इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। बात समझ में आई या नहीं आई बोलिए, है ना। अगला क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, 8, 5, 12, और यहाँ पे मान लो 7 दे देता, यहाँ 4, यहाँ 11 और यहाँ 9। अब ये क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ 7, ये भी नहीं है, है ना। अब मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, 18 यहाँ पे गिवन है, 5 यहाँ, 12 यहाँ, 11 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, अभी है, है ना। क्लियर हो रही है भाई बच्चों बात या नहीं हो रही, तो वहां पे ना ज्यादा ये ऐसी गड़बड़ करोगे, सोचो घर पे आगे कितना रहोगे, -1.25 गया आपका, और 1.25 का मतलब समझ रहे हैं आप। फाइनल वाले बच्चों के लिए इसमें सिलेक्शन और ना सिलेक्शन वाले बहुत केसेस बनते हैं, 1.25 बहुत होता है, जो ये 3 गुना सिलेक्ट करते हैं ना उसमें 1.25 की बहुत अहमियत है, बहुत बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, 0.25 की भी बहुत है, समझ गए। हमें जब पढ़ते हैं ना, तैयारी करते हैं, सही है ना, हो जाएगा ना, तब ऐसा लगता है, जब उस लेवल के लिए पढ़ते हैं ना, सिलेक्ट होना है, तब क्वेश्चन की प्रिपरेशन कुछ और होती है और सब्जेक्ट्स की भी, ऐसे पढ़ते हुए तो लगता है होता ही है, हो रहा है, वो इसलिए तो ना होती जनता। चलिए खैर, ये क्वेश्चन नहीं था जो मुझे समझाना था, मुझे क्वेश्चन ये समझाना था, क्या समझाना था यार, हाँ ठीक है ओके, 18, 15, और मान लीजिए यहाँ पे है 9, यहाँ पे पड़ा है 4, यहाँ पे पड़ा है 10, यहाँ पे पड़ा है 7, इज इट ए मिन हीप और नॉट।
मैक्सीप, मैक्सीप है ना, हाँ इसे मेमोरी में भी देख लीजिए, ये एरे में कैसे स्टोर होता है, आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगा। अभी तक का एरे देख लेते हैं, 18 यहाँ पड़ा है बच्चों, ये लेवल बाय लेवल स्टोर होता है। अगला एलिमेंट है 15, अगला एलिमेंट है 9, अगला एलिमेंट है 4, 10 एंड देन 7। अब आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं ना, जैसे एरे में 0 इंडेक्स 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ऐसे ही तो है बच्चों। हेलो, ऐसे हाँ इंडेक्स जी पड़े होते होंगे, ये एरे है आपका, एरे में स्टोर कर रहे हैं। अब नया एलिमेंट जाना है तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ जाना है, ए ऑफ एन प्लस वन कर दो, जो भी लोकेशन पे एन है ना उससे एक बढ़ा दो, यानी ये लोकेशन खाली होगी हमेशा, यहाँ पे एरे को डाल दीजिए। दैट मीन्स आपको मान लीजिए इंसर्ट करना था 6, 6 को डाला यहाँ पे। अब हमें जस्ट क्या देखना है, 6 9 से बड़ा है वो, छोटा है या नहीं है। अगर छोटा है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, हमें मैक्स हीप चाहिए ना, यानी ऊपर वाला इससे बड़ा होना चाहिए। अब इसका ऊपर वाला पता कैसे चलेगा, ये कौन सी लोकेशन पे है, 6 पे है ना। हेलो, कौन सी हाँ जी लोकेशन पे इंसर्ट हुआ अभी, 6 पे है ना। अब देखो, अच्छा चलो पहले एक काम कर लेता हूँ, यहाँ जनरल वाला वे ले लेता हूँ, अभी सी वाला नहीं ले रहा है, उसके लिए थोड़ा और दिमाग चलाना पड़ेगा, वो चलवाने के मैं मूड में नहीं हूँ। चलिए 7 मान लेते हैं हम यहाँ पे। बच्चों आपको मैंने इस प्लेस पे अगर इंसर्ट किया है, कौन सी लोकेशन है, लोकेशन नंबर 7, इसका रूट आपको दिख रहा है कहाँ पे है, 9 पे है, दिख रहा है। अब 9 एलिमेंट मिलेगा कैसे, जिस भी लोकेशन पे आपको इंसर्ट करना है ना, उसका बाई 2 कर दीजिए, उसका लोअर हाफ, जो भी आपके पास लोकेशन है उसका डिवाइडेड बाई 2 करके लोअर हाफ कर दीजिए, पेरेंट का एड्रेस मिल जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे इस बिल्कुल आयत लोकेशन पे करना है तो पेरेंट कहाँ पे होगा, आयत का पेरेंट कहाँ पे होता है, वो होगा आई बाई 2 के लोअर हाफ पे। क्लियर हुआ, कहीं पे भी देख लीजिए। अगला एलिमेंट देखो 6 है, कौन सी लोकेशन पे पड़ा है, 7, इसका 7 बाई 2 करो, क्या आएगा, 3.5, उसका लोअर कर दो 3। तो यानी आपको पता है जस्ट क्या करना है बच्चों, इफ ए ऑफ क्या, जो भी आई यानी लोकेशन थी, इफ इट इज लेस देन ए ऑफ आई बाई 2 का लोअर हाफ करके, मान लो आपने पहले लोकेशन निकाल लिया, तो क्या ए ऑफ लोकेशन से अगर ये छोटा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, देन आपको सिर्फ क्या कर देना है, एलिमेंट को उठाओ ए ऑफ आई पे डाल दो, यानी आपका 6 यहाँ के यहीं पे इंसर्ट हो जाता। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एल्स में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोग्राम करना पड़ेगा, मतलब ए ऑफ आई को कहाँ डालेंगे, टी में, और ए ऑफ ये क्या है तुम्हारा लोकेशन, उसको उठा के कहाँ डाल देंगे, ए ऑफ आई में, यानी देखो, और वापस टी को डाल देंगे उठा के कहाँ पे, ए ऑफ लोकेशन पे। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग आती है तो बेस स्वैपिंग का प्रोग्राम आता होगा, दिस इज द सेम प्रोग्राम फॉर दैट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6। आर यू क्लियर विद मी और नॉट, हाँ ये जी बात बिल्कुल क्लियर है। अगली बार देखो, जरूरी नहीं, अगर ये 16 नहीं होके 26 होता तो अब ये यहाँ आ गया, क्या मैं आकांक्षा यहाँ पे भी रुक जाऊंगा क्या, अगर ये 26 होता तो ये यहाँ आ गया होता, ये नीचे आ गया होता। अभी इसकी कंपैरिजन इससे भी करनी पड़ेगी ना, देन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन को दोबारा चेंज कर लो, इसका आई बाई 2 करके अगेन लोकेशन निकाल लीजिए, और फिर अगेन दोबारा कंपेयर करिए, क्या ए ऑफ आई जो इस टाइम आई है वो लोकेशन पे है क्या, यानी इस टाइम 3 था, 3 का बाई 2 करके लोअर हाफ लोगे तो क्या मिलेगा, 18, इससे कंपेरिजन होगी, 26 इससे भी छोटा है, ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। आप समझ पा रहे हैं कैसे चल रहा है अंदर काम, तो जिन लोगों को पढ़ना होता है इंप्लीमेंटेशन के पर्पज से, ये उनके लिए काम था, मगर आपके लिए क्या काम था कि मेमोरी में किस तरीके से स्टोर हो रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए क्या सभी लोग, यानी मेमोरी में 6 यहाँ पे आ जाता, फिलहाल ये एरे ऐसा रहता, लेकिन अगर ये 26 होता ना, 26 होता तो कैसे स्वैप हो चुका होता, आपको पता है 26 के लिए ये ऊपर जाता, 9 नीचे आ जाता। हेलो, हाँ जी अगर ये 6 था, इंसर्ट 6, तो हमारा ये बनता फाइनल, और अगर मान लो इंसर्ट 6 की जगह मैं इंसर्ट 26 कर रहा होता, तो मैं फाइनली इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ, तब आपका एरे ये थोड़ी बनता, अगर 26 होता तो आपको क्या करना पड़ता बच्चों, 26 यहाँ आता, अगर इन केस इसे 6 की जगह क्या समझिए, 26 समझिए, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, 26 की 9 से होगी 9 निकट नीचे, 26 ऊपर, फिर 26 ऊपर, 18 नीचे, तो यहाँ अगर 26 लेफ्ट वालों को ऐसे ही रखिए, यहाँ पर लेफ्ट में क्या, राइट में क्या आ जाएगा बोलिए, 18 18, इसके राइट में क्या जाएगा, वो तो 9 नीचे आ 9 चुका था, और यहाँ पे क्या आया था बच्चों, 7 एज इट इज था, यही तो ट्री होता। अगर ये ट्री होता तो मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती, 26 15 18 4 10 7 और 9, समझ रहे हो आप बात की नहीं। अब बच्चों मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, पेपर में क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, 8 5 3, और यहाँ पे दे रखा है 2 1, और यहाँ पे दे रखा है 0,
और यहाँ पे दे रखा है -3, और यहाँ पे देख रखा है मान लीजिए ये मान लो 4 था, चल जाता, और अब 2 था। क्या ये सही है? अभी कोई प्रॉब्लम थी इस हीप में? नहीं ना। क्वेश्चन पता क्या देगा? आफ्टर इंसर्टिंग क्या 6 एंड मान लीजिए 6 एंड सपोज 10, व्हाट विल बी द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हीप। अब देखो चार ऑप्शन में ना छोटे में बन जाएंगे, क्योंकि एरे रिप्रेजेंटेशन तो एक लाइन में होती है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हेलो एवरीवन, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। अब जैसे पेपर में 6 और 10 नहीं देगा तो केवल 6 दे देगा, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में टाइम कम होता है ना। 6 को इंसर्ट करने के बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बच्चों? अभी इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 8, 5, 3, 4, 1, 0, -3 और 2। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कोई जुगाड़ नहीं लगता, इसलिए हीप बनाना नहीं आता तो काम कर ही नहीं सकते। अब इसने क्वेश्चन पता क्या दिया? दिस इज योर हीप, आफ्टर इंसर्टिंग 6 व्हाट विल बी द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस हीप। एरे रिप्रेजेंटेशन, या इसको बिल्ड हीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्ड हीप बोलते हैं। बिल्ड हीप का मतलब क्या होता है? जो हीप है ना उसका स्ट्रक्चर मेमोरी में कैसे पड़ा है। हेलो, हीप का बिल्ड हीप किसको बोलते हैं? इसके स्ट्रक्चर को जो मेमोरी में पड़ा होता है, ये पूछ लेगा कौन सा इनमें से बिल्ड हीप है। तो ये ऐसे नहीं निकल सकता, आपको क्या करना पड़ेगा? 6 को इंसर्ट करना पड़ेगा। 6 कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो क्या 6 यहीं पे आएगा क्या? 6 की 4 से कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा। फिर 6 की 5 से कंपैरिजन होगी, स्वैप होगा। 6 की 8 से कंपैरिजन होगी बट स्वैप नहीं होगा। यानी फाइनली ट्री बनेगा 8। राइट वाले को एज इट इज लिख लीजिए, लेफ्ट वाले में क्या होगा? देखो 8 यहाँ पे आ गया था 6, राइट में एज इट इज 1 लिख लीजिए। लेफ्ट में क्या था? 6 गया था ऊपर, 5 नीचे आ गया था, यहाँ पे आ गया था 4 और यहाँ पे आ गया था 2। अगर आप इसके बिल्ड हीप की बात करेंगे तो बच्चों वो क्या है? 8, 6, 3, 5, 1, 0, -3, 2 एंड 4। बच्चों इसमें कोई जुगाड़ नहीं होता कि मैं देख के आपको बता दूं कि आप देख के ऐसे फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आपको हीप इंसर्शन नहीं आता तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका किसके लिए? कि ये हीप दे रखा है और वो कह दे एक डिलीशन करने के बाद बिल्ड हीप क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अकॉर्डिंग टू मी हीप इंसर्शन और डिलीशन के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आते, वो एक हीप बना हुआ देगा। देखो हीप में से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? या तो हीप की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, तो कॉम्प्लेक्सिटी वो उस पेज से सारी हो गई है ना। हेलो, अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है? हीप बना बनाया दे रखा होगा, क्या देगा एक इंसर्शन के बाद या एक डिलीशन के बाद, इसका बिल्ड हीप क्या बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मिन हीप, और मिन हीप में मैक्सिमम ढूंढना और मिन हीप में मिनिमम ढूंढना। That's it for heap. और heap sort तो आपको हो ही गया होगा। heap sort करने के लिए हर केस में order of n log n क्यों आया वो समझ में आ गई होगी। और प्लस 3 बातें और यहाँ पे वो बता देता हूँ मैं, कहाँ गई वे? यहाँ पे ये तो लिख लिया था heap में एक n event insert करना और delete करना है ना। यहाँ पे एक चीज और बच्चों नोट कर लीजिए, मिनी heap max heap वाला काम हो गया। heap में ith element का parent कहाँ होगा? पेरेंट अगर ढूंढना हो कभी भी तो वो i बाई 2 के लोअर उस पे लोकेशन पे होगा। होगी लोकेशन ऑफ, अरे बताइए, और लोकेशन ऑफ ith एलिमेंट, सॉरी ith एलिमेंट के लेफ्ट चाइल्ड, एलिमेंट के लेफ्ट चाइल्ड की अगर मैं बात करूं और या राइट चाइल्ड की बात करूं तो वो कहां पे होगा? बच्चों बहुत सिंपल है, आप यहां पे बिल्ड हीप में इसकी लोकेशन देखिए। आकांक्षा 18 है, 18 का लेफ्ट चाइल्ड दिख रहा है कहां पे है? 2 पे, और राइट कहां है? 3 पे। ओके, किसी और का देख, 9 का देख, 9 का लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है? 9 की लोकेशन क्या है? 3 है ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड देख 7 पे है और राइट कहां है? 6 पे। किसी का भी जो लेफ्ट चाइल्ड होता है ना वो होता है 2i लोकेशन पे लेफ्ट चाइल्ड, और राइट चाइल्ड किसी का भी होगा तो 2i प्लस 1 पे, तभी तो वो i बाई 2 का लोअर हाफ आया है। क्लियर हुई बात या नहीं? आप किसी के लिए भी चेक कर लीजिए, 15 का लेफ्ट ढूंढना हो, लेफ्ट एलिमेंट कहां से आएगा, तो 15 का लेफ्ट कहां पड़ा है? 4 पे। राइट कहां पड़ा है? 10 पे। और आकांक्षा इन्हीं चीज से हम एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं, पता कैसे? जब हम डिलीट करते हैं सबसे ऊपर लेके आते हैं, अब ये टॉप हो गया, मुझे कंपैरिजन किससे करनी होती है? 15 और 9 से। पता कैसे चलेगा ये कहां है? तो अगर ये लोकेशन नंबर 1 है तो लेफ्ट कहां होगा, यानी लोकेशन नंबर 2 और 9 में से, 2 और 3 में से चेक कर लो, जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा, ये उसकी जगह चला जाएगा। अगेन अगली बार इस लोकेशन के लिए इन दोनों से चेक करना पड़ेगा, इन दोनों में से जो बड़ा है वो ऊपर चला जाएगा, तो वो आता कहां से है? 2i और 2i प्लस 1 से। यानी ये दो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा ना हीप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता जो आपसे ना हो, कहीं पे भी किसी भी जगह से चेक करोगे हीप का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा आपके।
समराइज्ड वे में सिर्फ इतना ही इसका आंसर है। क्लियर हो गया भाई सबको? ठीक है, अब कल करते हैं बस कहानी सुबह। कल सुबह का टाइम है 7 बजे, ठीक है? बाकी मैं ग्रुप पे डालता हूँ। ओके, बाय बाय अभी के लिए।